गुड आफ्टरनून <laughs> कैसे हो आप सब बढ़िया और आप सब की जिंदगी चल रही है बढ़िया चल रही है चलो जी आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं हमारे इंटरमीडिएट का एक नया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का नाम क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चलो तो जी एक नया नया रजिस्टर जो है निकाल लें हाँ जी बच्चा करे लाई नहीं ये क्या था आए खाली याद आए नहीं अच्छी बात है मेरा सत्संग होता है पर सत्संग में कुछ नोट्स भी बना लेते हैं ठीक है तो भाई सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाँ जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो वे बिल्कुल नया नया रजिस्टर चमकता हुआ रजिस्टर आप निकाल लें और एक नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट मेरा ऐसा मानना है आपके इंटरमीडिएट का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ये आपका आज शुरू होने वाला है तो भाई सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो भाई देखो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है अगर आपके सपने थोड़े से अगर बड़े हैं तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्पफुल जो है होने वाले भाई बाकी सारे सब्जेक्ट कंपेयर नहीं करूंगा पर कहीं ना कहीं क्लेरिकल है भाई अकाउंटिंग अकाउंट्स की बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी बने हुए हैं आपको चेक करना है वो कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे लॉ की बात करें कंपनी से एक बना हुआ है आप कंपनी से एक बना नहीं रहे जो बना हुआ है कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा टैक्सेशन की बात करें इनकम टैक्स जीएसटी ऑलरेडी कानून बना हुआ है आपको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं बस आपको याद करना है इम्प्लीमेंट जो है करना है वो भी स्कोप बहुत अच्छा है इफ़ यू बिकम अकाउंटिंग कंसल्टेंट लीगल कंसल्टेंट टैक्स कंसल्टेंट स्कोप बहुत अच्छा है पर अगर आपका मन है कुछ नया करना अगर आपका मन है कुछ नया करना और अगर आपका मन है बिज़नेस करना या एंटरप्रेन्योर बनना उसके लिए जो मैं कहूँगा ये शायद एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपकी स्किल डेवलप जो है वो करने वाला है तो बहुत ही चैलेंजिंग भी है क्योंकि यहाँ पर बात करें तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है कोई स्टैंडर्ड नहीं बिजनेस का अगर स्टैंडर्ड होता इस प्रकार से बिजनेस करना चाहिए सारे ही सक्सेसफुल जो है हो जाते तो यहाँ तो बस आपको थोड़ी सी हेल्प की जा रही है कि भाई कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं बाकी तो आपका हुनर के ऊपर डिपेंड करता है अगर आई क्यू अच्छा है और हाँ अगर रिस्क टेकिंग पावर भी है तो, तो अच्छा बिजनेस कर पाओगे नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है हो जाएगी तो अगले तीन महीने हमें जो है बिजनेस कैसे करते हैं उसका एक एस्पेक्ट जो है हम सीखेंगे भी पूरा बिजनेस नहीं बताऊंगा पर एक छोटा सा एस्पेक्ट जो है हमें सीखना जो शायद लास्ट क्लास में बात भी करी थी भाई एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट गलत है पर स्कूल में यही शायद जो है सिखाया जाता है पर अगर आप हॉवर्ड यूनिवर्सिटी जाएं, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएं, तो वहाँ पर कहते हैं बिज़नेस का प्रॉफिट मेकिंग कभी भी मोटिव नहीं होता पर हमारे इंडिया में थोड़ा सा गलत जो है पढ़ाते हैं तभी तो इंडिया में थोड़ा सा पैसे को लेके गड़बड़ जो है चलती है मेन मोटिव बिजनेस का होता है सर्विस सिर्फ सर्विस होता है और कुछ भी नहीं यू हैव टू सर्व दी सोसाइटी भाई बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में यही शायद समझाते बिजनेस अगर करना है इसका एक ही मकसद है इफ यू आर सर्विंग द सोसाइटी देन यू आर अ गुड बिजनेसमैन अगर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो ये बिजनेस नहीं होता ये बिजनेस बिल्कुल भी जो है नहीं होता पर अगर प्रॉफिट की बात करें तो भाई प्रॉफिट कहते हैं दिस इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट तो भाई तो अगर प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट की सिंपल सी इक्वेशन है भाई प्रॉफिट क्या होते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट और अगर आपको प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है तो भाई क्या करना पड़ेगा या तो रेवेन्यू को इंक्रीज़ करो या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना अगर प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है या तो रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है ये सबको पता है ये सबको पता है उसके बाद भी बिजनेस में कहीं ना कहीं झोल जो है वो सारे जो है कर जाते अब अगर रेवेन्यू को इंक्रीज करना है वो शायद पता आया था रेवेन्यू क्या होता है दिस इज प्राइस इन टू मे क्वांटिटी सिंपल सी क्वेश्चन है भाई रेवेन्यू कितना होगा भाई कितनी क्वांटिटी आप बेचेंगे क्या आपका सेलिंग प्राइस जो है वो आपका जो है रहेगा अब अगर रेवेन्यू को इंक्रीज करना है इसका मतलब या तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दो या क्वांटिटी इंक्रीज कर दो या दोनों इंक्रीज कर दो ठीक है तो भाई सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दोगे रेवेन्यू बढ़ जाएगा पर इकोनॉमिक्स है अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे तो शायद क्वांटिटी डिमांडेड आपकी डिक्रीज हो जाएगी पर ये जनरल लॉ है एक्सेप्शन भी बड़ी होंगी प्रेस्टीजियस गुड्स अगर आप ऐसे गुड्स बना देते हैं जो प्रेस्टीजियस गुड्स हैं तो अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ाते हो क्वांटिटी और बढ़ जाती है कुछ ऐसी कमोडिटी आपने देखा वर्ल्ड में है जो एक स्टेटस सिंबल जो है बन गया तो जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ता है उतनी डिमांड भी जो है बढ़ जाती है तो मैंने कहा यहाँ पर सारी स्टोरी वही है कि अगर आप कहोगे लॉ ऑफ डिमांड है तो आपको ये चेक करना है आपका प्रोडक्ट एक्सेप्शन में अगर आ जाए एक्सेप्शन कौन सा प्रेस्टीजियस गुड्स अगर बन जाता है बहुत अच्छी बात है उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्वालिटी आपको बहुत अच्छी जो है वो आपको रखनी जो है पड़ेगी तो भी आपको बिजनेस अगर करना है तो आपने जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपका हुनर जो है आपका आएगा और वो मैं कहूँगा हुनर मैं नहीं सिखा सकता मैं आपको सिर्फ कुछ फ्रेमवर्क बता सकता हूँ किस तरीके से बिजनेस जो है करेंगे एट दी एंड आप उस बिज़नेस को कैसे कंटिन्यू करते हैं कैसे एक्सपैंड करते हैं वो आपकी स्किल्स जो है रहेगी तो भी सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या क्वांटिटी जो है बढ़ाने सेलिंग प्राइस बढ़ाने के अपने बहुत सारे तरीके जो है आपके होते हैं क्वांटिटी बढ़ाने के अपने बहुत सारे तरीके एक्सपेंशन जो है करना है भी अभी मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली में है तो दिल्ली के बाहर अगर आप सेल करना शुरू करोगे क्वांटिटी बढ़ जाएगी इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करोगे क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी सेलिंग प्राइस बढ़ाना है मे बी एडवर्टीज़मेंट आप करनी शुरू करें तो भाई ये एरिया फ़िलहाल हमारे कोर्स का पार्ट जो है नहीं है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है कॉस्ट तो मैंने लगता इसलिए बिजनेस का एक एस्पेक्ट मेरे को बढ़ाना है पूरा एस्पेक्ट अभी आपको जो है नहीं दे रहा क्योंकि रेवेन्यू के भी बहुत सारे तरीके जो है होते हैं सेलिंग प्राइस अगर बढ़ाना हो क्या सिस्टम है क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है क्वान्टिटी इंक्रीज करना है क्या स्ट्रेटीज बनानी बहुत सारी चीज़ें जो है आती है पर मेरी लिमिटेशन है मुझे इस समय आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है जिसका नाम क्या है कॉस्ट तो भी कॉस्ट को मिनिमाइज अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रॉफ़िट जो है बढ़ सकता है पर यहाँ पर मोस्टली लोग गड़बड़ जो है कर जाते मोस्टली 99.99 परसेंट पीपल यहाँ पर गड़बड़ जो है करते हैं कॉस्ट मिनिमाइज़ करना है सबके माइंड में खर्चे बचाओ खर्चे बचाओ खर्चे बचाओ खर्चे बचाओ, खर्चे बचाओ, खर्चे बचाओ, खर्चे बचाओ और कहीं ना कहीं वो खर्चे बचाने के चक्कर में क्या करते क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ जो है कर देते ये तो बहुत आसान काम हो गया क्वालिटी डिग्रेड कर दो तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम जो है हो जाएगी और तभी अगर क्वालिटी डिग्रेड कर दोगे कॉस्ट कम हो जाएगी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है कमा लोगे पर लॉन्ग टर्म में बिज़नेस क्या हो जाता है फ्लॉप जो है हो जाता है क्वालिटी डिग्रेड करके कॉस्ट कम किया वो तो इसमें तो कोई हुनर ही नहीं है पर अगर आप क्वालिटी इंक्रीज़ करते हुए क्वालिटी इन्हांस करते हुए अगर आप कॉस्ट कम कर दो क्वालिटी इंप्रूव करते जा रहे हो कॉस्ट कम करते जा रहे हो तो ये एक एरिया है जो आपको वाकई जो है मार्केट में आपको बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ जो है वो शायद जो है दे देता ठीक है जी क्या ये बात समझ आती है तो भी हमें इस सब्जेक्ट में आखिर पढ़ना क्या है हम क्वालिटी को सस्टेन करते हुए या इम्प्रूव करते हुए अगर कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर दें तो भी इसका कोई मुकाबला जो है वो शायद नहीं है ठीक है क्वालिटी कम करो कॉस्ट कम हो जाए ये कोई चैलेंज नहीं है आप ए ग्रेड की जगह बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड लगा दो तो कॉस्ट अपने आप कम जो है हो जाएगी पर उससे क्या होगा क्वालिटी जैसी खराब हो गई ये आपको ही पता है एट दिन कस्टमर को क्या चाहिए क्वालिटी चाहिए इसमें कोई डाउट नहीं कस्टमर को क्वालिटी चाहिए पर उसको चाहिए देखिए क्वालिटी भी मिल जाए रीजनेबल प्राइस पर मिल जाए तो खेल बढ़िया जो है हो जाता है इस समय कस्टमर कहते देखो मेरे लिए क्वालिटी सुप्रीम है फॉर द टाइमिंग आप कस्टमर को उल्लू बना सकते हो पर एट दें कस्टमर बताए देखो सर मुझे क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए अगर क्वालिटी मुझे आप अच्छी दोगे तो तो बढ़िया है क्वालिटी अगर बेकार है तो एक बार तो आप कस्टमर को उल्लू बना दोगे पर बार बार वो सामान आपका जो है नहीं खरीदेगा कहीं ना कहीं कस्टमर जो है आप लूज जो है कर जाते हैं क्या ये बात समझ आती है तो इस पूरे सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है क्वालिटी को या तो सस्टेन कर लो या इम्प्रूव करें और एट द सेम टाइम मुझे क्या करना है कॉस्ट अगर रिड्यूस हो जाए कॉस्ट अगर रिड्यूस हो जाए तो आई बिकम अ मार्केट लीडर और इसमें शायद मैं कह सकता हूँ जितना मेरा मानना है टाटाज एक ऐसी कंपनी है टाटाज एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस पर उनका बहुत तगड़ा होल्ड है जिस पर इनका जो है ना होल्ड बहुत अच्छा है आपने सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा वहाँ शायद एक चैप्टर था बिजनेस साइकिल पढ़ा था तो एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल कितने इयर्स का होता है एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो टॉप तक जाए ख़त्म हो जाए कितना होता है बीस साल बीस साल तीस साल जो है आप मान लें तो एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल मतलब जो आर हुई पूरे वर्ल्ड में अगर आज आप बिजनेस शुरू करते हैं आप टॉप तक चले जाओ टॉप तक चले जाओ आपने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली पर 20 साल 30 साल में आपका बिजनेस जो है खत्म जो है हो जाएगा किंग फिशर एयरलाइंस मैं कहूंगा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है किंग फिशर एयरलाइंस का रहा आप तो शायद कभी ट्रेवल नहीं किया होगा थे उस समय आप क्या आप बात कर रहे हो अच्छा उस आप गोदी में होंगे ठीक है हाँ, मतलब किंग फिशर एयरलाइंस जो मैं शायद कह सकता हूँ भई अब तो बहुत साल हो गए किंग फिशर एयरलाइंस की अगर बात करें दैट वॉज प्रीमियम एयरलाइंस मतलब आज मैं कहता हूँ आज आप जो एयरलाइंस में ट्रेवल कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो कम्फर्ट नहीं है जो किंग फिशर एयरलाइंस दिया करता था मतलब 15 इयर्स बैक अगर बात करें किंग फिशर एयरलाइंस की अगर बात करें क्वालिटी वॉज सुप्रीम उसका मुकाबला इंडिया में तो नहीं था उसका मुकाबला इंडिया में एक्चुअल में नहीं था अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें हंड्रेड परसेंट ऑक्यूपेंसी मतलब किंग फिशर एयरलाइंस में हंड्रेड परसेंट ऑक्यूपेंसी हर व्यक्ति का फर्स्ट प्रायरिटी थी भी पहले चेक करो किंग फिशर एयरलाइंस की टिकट्स मिल रही है कि नहीं मिल रही जब किंग फिशर एयरलाइंस की टिकट खत्म होती थी फिर एयर इंडिया बाकी सारी जो है वो शायद भरनी जो है शुरू जो है होती थी क्वालिटी की बात करें टॉप मोस्ट उनका एफ एन बी सेगमेंट फूड एंड बेवरेज की बात करें टॉप मोस्ट हॉस्पिटैलिटी की बात करें टॉप मोस्ट ए टू जेड मतलब उनकी इकोनॉमी क्लास भी जो है ना वो लग्जरी से बढ़िया जो है होती थी मतलब नॉर्मल की लग्जरी और किंग फिशर की इकोनॉमी क्लास उसकी बात करें दैट वॉज किंग फिशर एयरलाइंस क्वालिटी दी बेस्ट पर गड़बड़ क्या करी क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव उन्होंने करी टॉप मोस्ट आपकी जो है क्वालिटी पर दिक्कत हुई रही, थी कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा थी क्वालिटी बहुत अच्छी थी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जो है हुई वो मार्केट लीडर ही बन गए मतलब मार्केट का जो शेयर था एविएशन इंडस्ट्री में किंग फिशर एयरलाइंस का सबसे ज़्यादा शेयर उन्हीं के पास था क्वालिटी टॉप मोस्ट इसलिए उनकी कॉस्ट उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हुए प्राइस उन्होंने क्या रखा मार्केट का प्राइस मार्केट का रखा ज्यादा प्राइस रखा नहीं तो जो मार्केट का प्राइस था वही उन्होंने प्राइस रखा कॉस्ट उनकी बढ़ती जो है चली गई कहीं ना कहीं वो सस्टेन जो है नहीं कर पाए फिर क्या किया उन्होंने बैंक से लोन लिया बैंक से लोन लिया उसका इंटरेस्ट उनकी कॉस्ट और बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई सिक्स टू सेवन ईयर्स में इतना सा स्पैन था सिक्स टू सेवन ईयर्स में किंग फिशर एयरलाइंस टॉप तक गई और बैंकअप भी जो है हो गई जो मैं कहता हूँ किंग फिशर एयरलाइंस क्योंकि मैंने तो क्वालिटी देखी है मतलब मस्त क्वालिटी उसके बाद भी वो सस्टेन नहीं कर पाए क्यों उनका कॉस्ट पे कंट्रोल जो है वो शायद नहीं हुआ और मैक्सिम जो कहा ना परसेंट जितने बिजनेस फेल होते हैं यहीं पर गड़बड़ करते हैं या तो क्वालिटी डाउन कर देते हैं तो बिजनेस फ्लॉप होगा या क्वालिटी इंक्रीज करते हैं कॉस्ट इंक्रीज होती है तो बिजनेस जो है फ़्लॉप होता है पर टाटाज ता की अगर बात करें टाटाज़ ता का बिजनेस साइकिल कितना हो गया 150 फिफ्टी ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं मतलब 150 फिफ्टी ईयर्स ये एक स्टैंडर्ड है जो मेरे को लगता नहीं कोई मीट आउट जो है कर लेगा 150 साल टाटास को हो चुके हैं और टाटास की बात करें नंबर वन मतलब टाटास की बात करें हर सेगमेंट में नंबर वन कहूँ या मैं टॉप थ्री तो हंड्रेड परसेंट जो है आ रहे वैसे हर सेगमेंट में टॉप पर जो है वो शायद चल रहे हैं टाटास की बात करें क्यों उनकी क्वालिटी बेस्ट है और मैंने जो चेक किया जितना मेरा एनालिसिस रहा उनका एक ही मेन रहा उन्होंने क्वालिटी टॉप की रखी पर कॉस्ट जो है उन्होंने उसको बहुत अच्छे से जो है ना पकड़ा हुआ है कॉस्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है उनकी स्ट्रैटेजीज जो है जितना मैं एनालिसिस करके देख पाया उनकी स्ट्रैटेजी सारा काम इस पर था क्वालिटी बेस्ट रखनी है पर कॉस्ट इंक्रीज किसी भी हालत में जो है ना आ जाए टाटा वो हैं जो जैगवार भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उनमें इतने गट्स थे कि टाटा नैनो भी वही लेकर आए थे वन लाख की कार अगर आपको शायद याद हो लाख की नैनो कार आप टाटा लॉन्च कर चुके थे वो तो पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं करा उस गाड़ी में कोई कमी नहीं थी वो तो पब्लिक ने आपका जो है एक्सेप्ट नहीं करा पर आप चेक करें पूरे वर्ल्ड में कोई और ऑटो इंडस्ट्री की अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि वन लाख की कार जो है वो निकाल पाए क्यों क्योंकि टाटा की बात करें उनका कॉस्ट पर जो कंट्रोल है इसलिए शायद उनका बिजनेस साइकिल इस लेवल तक का जो है चला जा चुका है क्या बात समझ आती है इसलिए ये सब्जेक्ट अगर आपको बिजनेस में टॉप तक जाना है तो मेरा मानना है ये सब्जेक्ट को अगर आप समझ पाए कितना समझ पाओगे ये मुझे नहीं पता पर जितना आप समझ पाओगे उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किस लेवल पर आप लीड जो है आप कर सकते हैं टाटा का जो मैं देखता हूँ ना मतलब ए टू जेड उनके हर सेगमेंट में टाटा का नमक भी है और द ताज होटल भी है आपके जयगवार भी जो है आ रही है तनिष आपकी आ रही है आपकी टी सी एस आपकी आ रही मतलब हर जगह आप चेक कर लें हर जगह टाटा स्टॉप पर जा चुके हैं ऐसा क्या है टाटा का जो मैंने शायद समझा उन्होंने कॉस्ट पर बहुत मस्त उन्होंने कंट्रोलिंग जो है कर रखी है कॉस्ट मिनिमाइज है पर क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे क्वालिटी पर किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज जो है टाटास नहीं करते ठीक है जी क्या ये बात समझ आती है और अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊं क्योंकि आप सबका मन है कि सर हमें परफेक्ट लाइफ अगर आपको जीनी हो तो दो इक्वेशन मैंने कोशिश करी दो इक्वेशंस में फ्रेम कर देता हूं अगर आपको समझ आ जाए तो मैं कहूंगा शायद आज की क्लास ही आपकी लाइफ चेंजिंग जो है हो सकती है तो भाई जितना मुझे पता है अगर आप बिजनेस करने जाए और अगर आप करेक्ट कॉस्ट निकाल पाए जो अगले तीन महीने और मे बी सी फाइनल में आपको पूरा जो है सिखाया जाएगा क्योंकि कॉस्ट निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कॉस्ट निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है आने वाला है तो भाई आज की क्लास अगली क्लासेस में समझना है आखिर कॉस्ट कैसे निकालें कॉस्ट को मिनिमाइज तो बात की बात है आखिर कॉस्ट किसको कहते हैं कॉस्ट में क्या क्या आता है वो हमें जो है समझना है तो अगर आप सही कॉस्ट निकाल पाए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है रहेगा कि कॉस्ट क्या आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे अपने बिजनेस की अगर आप कॉस्ट सही तरीके से निकाल पाए साथ ही साथ अगर आप बेस्ट क्वालिटी आप अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बने या ट्रेडर बने या मे भी सर्विस सेक्टर में जाते हैं अगर आप क्वालिटी बेस्ट अगर आप दे पाए और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बाद अगर आप रीजनेबल प्रॉफिट अगर आप चार्ज कर पाए तो ट्रस्ट मी हंड्रेड परसेंट सक्सेस आपके पास है हंड्रेड परसेंट मैं नाइनटीन पर नाइन परसेंट की बात भी जो है शायद नहीं करूँगा तीन चीज़ें अगर आप कर पाए अपने बिजनेस में सिर्फ तीन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दे पाए पहला क्या है आपके बिज़नेस की कॉस्ट कॉस्ट अगर आप सही तरीके से अगर आप निकाल पाए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाने के बाद भी मुझे नहीं पता आप कितना जो है कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है सर आपका आई आपको चेक जो है करना है तो अगर आप कॉस्ट सही तरीके से निकाल पाए अगर आप सही तरीके से निकाल पाए दूसरा कॉस्ट के साथ साथ आप जो सर्विस अगर आप दो या जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करेंगे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है आप नहीं कर पाए दो चीज़ें और उसके बाद यहां चाहिए होते हैं गट्स यहां चाहिए होते हैं गट्स अगर आप बेस्ट क्वालिटी दे पाए उसके बाद क्योंकि हमारे माइंड में क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आप बेस्ट क्वालिटी पर आ गए तो कहीं ना कहीं आपके मन में क्या आता है यार इतनी मेहनत करी है इतनी बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं तो प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा ही जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है कमाना चाहिए और यहां पर स्टोरी वो आती है आप कहते हैं सर क्वालिटी ज्यादा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज्यादा जो है हम कमाएंगे और उस समय अगर अगर आप उस समय थोड़ा सा अगर आप समझदारी से काम कर लें और आपने कहा सर हम रीज़नेबल प्रॉफिट चार्ज करेंगे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे डेफिनेटली आपका कोई भी कॉम्पिटिटर हो नहीं सकता आप कोई भी कॉम्पिटिटर हो नहीं सकता टाटा का कोई कॉम्पिटिटर जो है आज तक नहीं आया टाटा जिस भी लाइन में जाते हैं जिस भी लाइन में जाते हैं बहुत जल्दी सक्सेस तक जो है पहुंच जाते क्योंकि उनको पता है ये इक्वेशन मैं कहूँगा उनकी उनकी शायद इक्वेशन है कॉस्ट करेक्ट है क्वालिटी दी बेस्ट है और वो जो प्रॉफिट चार्ज करते हैं दैट इज़ अ रीजनेबल प्रॉफिट जैसे अगर बात करें आपकी मोबाइल कंपनीज़ की बात करें मोबाइल तो कंपनीज में बेस्ट क्वालिटी कौन सी कंपनी देती है जो में भी तो उसका प्राइस अगर क्वालिटी दे रही है तो एप्पल तो का प्राइस भी क्या होता है अच्छा खासा प्राइस जो है होता है क्योंकि हम इतनी बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं इतनी बढ़िया सर्विसेज दे रहे हैं सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं तो सर उसका हमें 400 करना चाहिए इसलिए एप्पल प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज करता है मान सकते हो क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज करता है कहीं ना कहीं आप एज अ कस्टमर खुद सोच के बताओ क्या एप्पल एक कॉम्पिटिटर की वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा जिस दिन एक ऐसी कंपनी आ गई जिसने सेम क्वालिटी अगर लोएस्ट प्राइस पर दे दिया उस दिन एप्पल खत्म हो जाएगी उस दिन एप्पल हंड्रेड परसेंट खत्म जो है हो जाएगी एप्पल सिर्फ इस फेद पर चल रही है। हम जो क्वालिटी दे रहे हैं उतनी क्वालिटी देने वाला कोई नहीं है कोई नहीं है पर वेली बात है पर बात जिस दिन ऐसी कंपनीज आ गई उस दिन क्या होगा एप्पल जो है पिट जाएगी या मैं थोड़ा सा और चेंज करूं आप खुद सोच के बताएं जो लोग एप्पल अफोर्ड नहीं कर रहे क्या आप एप्पल यूज करना चाहते हो नहीं चाहते हो चाहते हो पर क्योंकि आप शायद अफोर्ड नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज शायद प्राइस ज़्यादा है इसलिए आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और अगर इसी पॉइंट पर सोचें अगर एप्पल एक अफोर्डेबल प्रॉफिट अगर चार्ज करता और एप्पल की अगर ग्रेडिंग हो जाती प्रीमियम एप्पल में भी वन लाख रुपीस का पर एक मिनिमम प्राइस मान लो अगर ट्वेंटी थाउजेंड का अगर एप्पल लॉन्च कर दे कोई मजा ले बाकी सारी कंपनी टिक जाए आप खुद सोच के बताओ अगर एप्पल एक बेसिक फ़ोन अगर यूज निकाल ले पंद्रह बीस हज़ार का कि ये प्रीमियम हमारा ठीक है लाख रुपए सवा लाख डेढ़ लाख का है अगर एप्पल अपनी एक प्राइसिंग कर ले और बीस हजार का निकाल दे तो जितने बाकी सारी कंपनीज हैं आज ओके डाटा बाय बाय होगा कि नहीं होगा हो जाएगा बस मैं कहा पर यहाँ पे होता वही हो है आप पढ़ लेगा नहीं यार बीस हज़ार में तो हमें अब कहीं ना कहीं ईगो भी आते नहीं आते बीस हजार में तो लॉन्च नहीं करेंगे कम से कम लाख सवा लाख जो है हमें जो है वो शायद लेकर जो है वो शायद आना तो मैं तो आपको सिर्फ एक जो है बता रहा हूँ बाकी आपके ऊपर है क्योंकि देखो सी फाउंडेशन के यहाँ था सिर्फ एक आई टेस्ट था कि भाई क्या आप सी करने के लिए काबिल है या नहीं है अब आप काबिल तो हैं अब स्टोरी वही है क्या अब आप बिजनेस करने के काबिल हैं कि नहीं है क्या आप टैक्स कंसल्टेंट बनने के काबिल हैं कि नहीं क्या आप लीगल कंसल्टेंट बनने के काबिल हैं कि नहीं वो आपका इंटरमीडिएट जो है वो शायद शुरू जो है होता है और सारी स्टोरी वही है इस समय आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं जो शायद बताया था सारे क्या हैं आपके एरियाज़ हैं किसके करियर के लिए अब जो आपका जिसमें इंटरेस्ट आ गया अगर आपका कॉस्ट में इंटरेस्ट आ गया बिजनेस से सोचना शुरू करना आपका टैक्स में इंटरेस्ट आ गया टैक्स कंसल्टेंसी में सोचना शुरू करना आपको लॉ में इंटरेस्ट आ रहे है लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं आपको एफएम में इंटरेस्ट आ रहे हैं आप स्टॉक मार्केट में जो है जा सकते हैं बहुत सारे एरियाज हैं अभी तो सबके साथ धीरे धीरे खेलना शुरू करो फिर देखते हैं कौन सा खेल आपको ज्यादा इंटरेस्ट में जो है लेकर आएगा ठीक है जी तो भाई मेरा मानना है आज सक्सेस की इक्वेशन जो है मैं आपको दे रहा हूं आप जो भी काम करें कॉस्ट अपनी क्या निकाल लेना सही उसके बाद क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और तीसरा क्या रखना रीजनेबल प्रॉफिट अगर आप चार्ज करोगे हंड्रेड परसेंट सक्सेस जो है मिल जाएगी और एक इक्वेशन और अगर आप मटीरियली सक्सेसफुल बन गए अगर आप मटेरियली सक्सेसफुल बन गए अब होता वही है सर पैसा तो कमा लिया तब जो है हमने कमा लिया मैं इससे मार्केट लीडर हूँ पर मेरे को चाहे पढ़ाना इस समय कॉस्ट है पर फिर से बींग टीचर कितने ऐसे लोग हैं जो टॉप तक चले गए क्या वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं तो वहां पर फिर एक बहुत बड़ा ट्रैप जो है आ जाते हैं और मैं शायद वही कहूंगा जिस दिन आप मटली सक्सेसफुल हो गए साथ ही साथ उस समय अगर आप सेटिस्फाइड रहे या मैं कहूंगा अगर उस समय मेंटल पीस अगर आपके साथ है या मैं कहूँगा उस समय अगर आप खुश हो गए तो मैं शायद कहूंगा दिस इज परफेक्ट लाइफ होता वही है टॉप तक चले गए पर ये दिल मांगे मोर ये आदत अगर आपको रह गई उसका फिर कोई अंत जो है वो शायद नहीं है कितनी बार होता है कि भाई टॉप तक तो चले गए पर अभी भी मज़ा नहीं आ रहा मज़ा नहीं आ रहा मज़ा नहीं आ रहा तो मैं कहूँगा फिर ज़िंदगी आपने वेज जो है वो शायद जो है आप कर देंगे उस समय आप जहाँ तक आप गए उस समय अगर आप सेटिस्फाइड हैं रात को अगर चैन की नींद अच्छे से अगर आ रही है उस समय अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है भाई बहुत मस्त जिंदगी जो है हो गई तो तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया जो है चलेगी पर उस समय रहा कि नहीं मुझे थोड़ा सा और चाहिए तो भाई फिर मैं कहूँगा फिर आपकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा फिर पैथेटिक लाइफ आपकी जो है शायद नहीं होगी और उसके लिए शायद स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी होगी ऐसे जो आपके सपने ऐसे कई लोग आए थे अलेक्जेंडर द ग्रेट वो भी आए थे पूरा वर्ल्ड कौन जो है करना है पूरा वर्ल्ड कौन करना है उस रेस में कई लोग जो हैं अशोक आए बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद आए पर लास्ट में क्या लेकर गए हाँ जी हाँ मौत लेकर जो है वो शायद चले गए या एक पश्चाताप एक पश्चाताप जो शायद सुनने भी आया एलेक्जेंडर की शायद कहानी वो शायद सुनी होगी कि जब वो मर रहे थे तो उन्होंने शायद कुछ बातें जो है कही थी कुछ सुना है नहीं सुना क्या बातें सुनी थी किसी पर आइडिया हो उनको माइक जो है एक बार दे ऐसा कुछ सुनने में आया था एलेक्जेंडर जब मर रहे थे उन्होंने कुछ बातें कही थी हां जी आ, सर मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन उन्होंने अपने मरने से पहले कहा था कि जब मेरे को लेकर जाओगे तो मेरे हाथ बाहर की तरफ रख देना ताकि लोगों को पता लगे कि ना कि ना मैं कुछ लेकर आया था और ना मैं कुछ लेके जाऊंगा शायद ठीक है और क्या कहा था इतना बताया अच्छा ठीक है कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही अलेक्जेंडर जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कॉन किया क्योंकि ये सपने आपके भी हो जाते हैं ये सपने आपके भी होते हैं कि भाई कितना कमाना है जितना आ जाए कितना कमाना है बस कमाते जाने, कमाते जाने कमाते जाने कमाते जाने कमाते जाने कितना कमाना है ये दिल मांगे मोर तो भाई जो गलती आप कर रहे हैं ऐसी गलतियां पहले भी कई लोगों ने जो है वो शायद करी एलेक्जेंडर की बात करें पूरा विश्व जीत लिया और जब वो मरने लगे तो उन्होंने मरने लगे कुछ रिलाइजेशन जो है हुई और उन्होंने वही कहा कि भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरे को जब आप दफनाने जो है जाएंगे तो पहले उन्होंने कहा था भी मेरे कॉफिन को मेरे कॉफिन को कौन लेकर जाएगा डॉक्टर्स लेकर जाएंगे ऐसी कुछ बातें नहीं कही भी मेरी आरती को कौन लेकर जाएगा सारे डॉक्टर्स दी बेस्ट डॉक्टर्स वर्ल्ड के वो मेरे आरती को जो है लेकर जाएंगे दूसरा क्या कहा था कि मैं अपने किंगडम से ग्रेवयार्ड तक जाऊंगा। मेरे पूरे रस्ते पर सोनी की अशरफिया जो है बिखेर देना सोनी की अशरफिया पूरी जो है आप बिखेर देना और तीसरा मैं जब मर रहा तो कॉफिन जब लेकर जाऊं मेरे हाथ दोनों बाहर जो है दिखा देना इस पूरी जनता को मेरे हाथ जो है दिखने जो है चाहिए तो भाई वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने पूछा कि भाई एलेक्जेंडर ये क्या वियर्ड सी बातें आपने जो है कही हैं तो एलेक्सेंडर ने वही कहा आई वो सच अग फूल मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मैंने बर्बाद करी और आज मुझे तीन बातें समझ आई और उन्हें तो कहा कि एटलीस्ट आगे वाली जनता को ये बात पहले समझ आ जाए बाकी उनके ऊपर जो है आते हैं फर्स्ट एलेक्जेंडर ने वो ये कहा कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली पर मौत को नहीं जीत सकता एक टाइम स्पैन है इस मौत को मैं जीत नहीं सकता और वही मेरे कॉफिन को डॉक्टर्स ले जाना मेरे को शायद एक भ्रम था कि मेरे पास इतना पैसा होगा मैं डॉक्टर्स मुझे बचा लेंगे डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकते तो भाई कहीं ना कहीं होता है भी डॉक्टर जो है मुझे बचा लेंगे एट एंड डेथ इज इनएविटेबल मेरे को डॉक्टर कोई भी वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स मुझे बचा नहीं सकते सेकेंड उन्हें क्या कहा कि भाई सारा जो है अशरफियों से रास्ता जो है भर देना जनता को दिखा देना वो बिग फूल, मैं पैसा कमाने के चक्कर में इतना मैंने पूरी जिंदगी जो है मैंने बर्बाद करी पूरी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी ये पैसा आज यही बिखरा हुआ है ये पैसा आज सड़क पर बिखरा हुआ है मेरे किसी काम का नहीं मेरे किसी काम का नहीं और तीसरा मेरे हाथ खाली जा रहे हैं मेरे हाथ खाली जो है जा रहे हैं और वही शायद जो मैंने कहा ना ये आपको डिसाइड करना है क्योंकि बात वही है क्योंकि अब इंटर जैसे ही क्लियर होगा आप जाओगे आर्टिकलशिप पैसा अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर जो सर्कल शुरू होगा इस प्रॉफिट का इस पैसे का तब शायद मैं आपके पास जो है नहीं रहूंगा तो मेरी तरफ से शायद लास्ट इंट्रैक्शन जो है इंटर तक रहेगी फिर आप जो है कमाना शुरू करेंगे इसलिए वो मैंने कहा आप सक्सेसफुल बने ये मैं दुआ करूंगा पर साथ ही साथ बस ध्यान रखना अपने उस लगाम पर रोग जो है वो लगा कर चलना नहीं तो कहाँ आप भटक जाओगे पता भी जो है नहीं चलेगा ठीक है जी तो लो जी इस इक्वेशन के साथ शुरू करते मेरा सब्जेक्ट और उसका पहला शब्द शब्द का नाम क्या है कॉस्ट लो जी तो भाई चेक करें आप कई साल लग जाएंगे इस कॉस्ट का मतलब समझने में आखिर कॉस्ट किसको कहते हैं तो कह रहे हैं कॉस्ट मींस कॉस्ट मींस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कॉस्ट मतलब खर्चा कॉस्ट मींस दउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दो चीजें आएंगी यहां पे एक्चुअल और नोशनल एक्चुअल और नोशनल कह रहे हैं इनकर्ड ऑन हमने खर्चा किया इनकर ऑन और एट्रीब्यूटेबल और एट्रीब्यूटेबल टू ये हमने एलोकेट करा खर्चा किया इनकर ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू एक कॉमन खर्चा है कुछ खर्चा हमने एलोकेट किया टू अ स्पेसिफिक To thing <clears throat> to a specific thing or an activity to a specific thing or an activity तो भी कहने को तो एक ही लाइन है आखिर कॉस्ट किसको कहते हैं कॉस्ट मीन्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भाई कॉस्ट का मतलब खर्चा तो भाई कॉस्ट का मतलब क्या है तो भाई खर्चा खर्चा क्या है एक्चुअल खर्चा या फिर नोशनल खर्चा इसको भी समझते हैं खर्चा आपने इनकर किया किसी चीज़ पर आप इनकर कर रहे हैं या खर्चा आपने एलोकेट किया किस चीज़ पर पहले बात बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हम जनरल खर्चा कभी नहीं कहते या किसी एक्टिविटी की बात जो है हम कर रहे हैं तो वी हैव टू वेरी प्रिसाइज आखिर हम कॉस्ट किसके निकाल रहे हैं हम कॉस्ट किसके निकाल रहे हैं जब तक हमें यही नहीं पता होगा हम कॉस्ट कभी भी जो है नहीं निकाल सकते जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे इस समय इंटरमीडिएट पढ़ने जो है आए हो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे एक सब्जेक्ट पढ़ने आए हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट को आप मुझसे पढ़ने आए उसकी कॉस्ट कितनी आपने इंकर करी चलो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि भी एक एक्टिविटी है आपने मेरे यहाँ आप पढ़ने आए एक स्पेसिफिक एक्टिविटी आप मुझसे पढ़ना चाहते हो सी ए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो इस एक्टिविटी की कॉस्ट में आप क्या क्या डालोगे कोई मेरी मदद करे तो भाई कॉस्ट में क्या क्या आएगा इनको माइक जो है आप देना शुरू करें तो भाई कॉस्ट में ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी बता सकते हो आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भाई आपकी ऑनलाइन कॉस्ट में क्या क्या आएगा या आप मुझसे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं आपकी तो कॉस्ट में क्या क्या आएगी होने का सर सीधी सी बात है हमने आपको फीस पे करी अभी लिखना नहीं तो वो आपकी क्या है कॉस्ट भाई आप मुझे फीस पे करोगे तो आपकी कॉस्ट है कि नहीं है कॉस्ट है तो बस इतनी कॉस्ट है सर टाइम जो हम हाँ जी और दूसरा आ, आगे माइक देते जाए तो एक आपने कहा फीस भी आपने मुझे फीस पे करी वो आपका खर्चा है जो ट्रैवलिंग चार्जेस लग रहे हैं इन्होंने कहा सर देखो फीस पे करी ये तो कॉस्ट है और सर साथ में सर घर से हम डेली आ रहे हैं और डेली वापस जो है जा रहे हैं तो सर ट्रैवलिंग सोच के बताओ ट्रैवलिंग कॉस्ट ले लोगे या नहीं लोगे हाँ जी लेंगे या नहीं लेंगे कितने घर लेंगे लेंगे. तो अभी आपने कहा डेली हम घर से आ रहे हैं डेली घर जा रहे हैं तो मे बी आप अगर रिक्शा से आ रहे हो तो सर डेली रिक्शा का खर्चा अगर आप मेट्रो से आ रहे हो मेट्रो का खर्चा आप बस से आ रहे हो बस का खर्चा आप अपने खुद के वहीकल से आ रहे हो तो पेट्रोल का खर्चा लोगे कि नहीं लोगे लोगे जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनका आपका शायद ट्रैवलिंग का खर्चा जो है नहीं होगा ठीक है है तो अपनी कॉस्ट इस समय फेस टू फेस बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे तो आपका ट्रैवलिंग का खर्चा जो है वो शायद नहीं जो है हुआ और बताएं हाँ जी सर स्टेशनरी स्टेशनरी सर अब आपसे पढ़ना है तो हमें कुछ रजिस्टर पढ़ना है तो सर एक रजिस्टर जो है हमने मेंटेन किया सर पेन पेंसिल रेजर शार्पनर हमें जो है चाहिए तो आपने एक रजिस्टर दो रजिस्टर तीन रजिस्टर अगर मान लो पचास पचास रुपए का रजिस्टर है तीन रजिस्टर भी लगाए तो डेढ़ सौ दो सौ रुपए कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा आएगा बात पक्की है तो आपने कहा सर स्टेशनरी ये जो है आ जाएगा हाँ घर वाले बच्चे कह रहे सर हमारा बिजली का बिल भी आएगा ये भी ठीक है। सर जो, तो जो, तो जो पंखा चल रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे सर हमारा इंटरनेट का खर्चा जो है वो शायद जो है आएगा ठीक है तो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे अपनी कॉस्ट निकाल रहे फेस वे वाले बच्चे अपनी कॉस्ट जो है निकाल तो इस समय मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो बिजली का बिल क्या आपकी कॉस्ट में आएगा नहीं आपकी कॉस्ट में नहीं वो तो मेरी कॉस्ट में आने तो आपके लिए बिजली का बिल इस समय नहीं है घर वाले कह रहे हैं। सर हमारी बिजली का बिल जो है आएगा और बताएं और कोई खर्चा खाने पीने का <laughs> कहां से आवाज आई <laughs> चलो बच्चे कह रहे हैं सर खाने पीने का खर्चा पूछ लेता हूँ पूछ लेता हूँ खाने पीने का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा सोच के बताना कितने कह रहे हैं खाने पीने का खर्चा आएगा कुछ हाथ खड़े हैं कितने कह रहे नहीं आएगा तो मेजोरिटी ने कहा नहीं आएगा देखो अब इस बात को फिर समझना कब आएगा कब नहीं आएगा जो मैंने कहा ना कॉस्ट निकालना बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि यहां पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपको सोचना है अगर आप आए हो भाई आप आए हो इस समय आपने कहा हम आए हैं तो हम खाना भी जोड़े खा रहे अगर आप मेरी कॉस्टिंग क्लास नहीं लेते तो आप क्या खाना नहीं खाते तब भी खाते अगर आप कह रहे हैं सर अगर हम क्लास लेते या नहीं लेते तो सर खाना तब भी खाते तो क्या आपने ये खाना मेरी कॉस्टिंग क्लास की वजह से खाया नहीं तो ये खर्चे में जो है नहीं आएगा पर आपने कहा सर अगर कॉस्टिंग क्लास में नहीं आते तो सर घर पे खाना खाते अब सर यहां पर आए हैं महफिल जमी है अंकल चिप्स भी खाए हैं हमने पेप्सी भी पी है सर घर पर वो खर्चा नहीं होता तो सर अब क्या है सर घर वाला खाना तो खा रहे हैं पर यहां पर वो वाला खाना तो खाया साथ में हमने लेज और अंकल चिप्स और हमने पैटी भी खाई है वो घर पर नहीं खाते तो क्या फिर वो वाला खाना एक्स्ट्रा जो आपने खाया क्या वो कॉस्ट में आएगा आएगा कि नहीं आएगा वो आना जो है चाहिए क्या बात समझ आती है तो मैंने कहा कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये आपको जो है सोचना है आपने कहा सर खाना सेम था तो कोई फर्क नहीं आता पर आपने कहा सर घर पर अगर होते तो सर इतना खाते बाहर आए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने खाया है या जो इंक्रीमेंटल है वो शायद जो है आ जाना चाहिए लो जी और बताए और कुछ कॉस्ट में आएगा हाँ जी उनको माइक जो है दे दे तो ये कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा बच्चा कह रहे सर बैग बैग का खर्चा चलो जी बताओ बैग का खर्चा अच्छा नहीं स्टेशनरी तो मैं रजिस्टर और पेन ले लिया चलो स्टेशनरी की बात करूं मैं इसको भी थोड़ा सा ना दो पार्ट कर देता हूं ध्यान सोचना एक है रजिस्टर एक आया रजिस्टर ठीक है अब मैं बात कर रहा हूं बैग की अब ध्यान से सोच के बताओ बैग बैग आपने परचेस करा तो बैग आपने मान लीजिए 2000 का बैग आपने परचेज करा तो क्या ये बैग का खर्चा मेरी कॉस्टिंग क्लास में ऐड करोगे या नहीं करोगे हाँ जी कितने कह रहे हैं ये हम ऐड करेंगे कई सारे हाथ कितने कह रहे हैं हम ऐड नहीं करेंगे कई सारे हाथ अच्छा कितने कह रहे हैं सर 2000 ऐड तो करेंगे पूरे 2000 हजार नहीं कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे कितने हाथ इसमें हैं कई सारे हाथ जो है आ रहे तो भाई इस बात को फिर समझे आप कॉस्टिंग क्लास में आए बात वही आ रही है क्या आपने इस क्लास के लिए नया बैग परचेज करा या अपने भाई का लेकर आए भाई, भाई का भाई सो रहा था <laughs> जब उठेगा तब की तब देखी जाएगी तो वही भाई का जो है बैग उसका हमने बैग खोला पटक के हम तो भाग के आ गए ये भी ठीक था तो भाई अगर ऑलरेडी एक बैग घर पर था आप उसी को यूज़ कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का बैग आप यूज़ कर रहे हो तो आप सोच के बताओ क्या आपने अलग से कोई खर्चा किया नहीं तो क्या कॉस्ट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए दूसरा आपने कहा सर हमने बैग स्पेशली इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए जो है हमने ख़रीदा कितने रुपए का दो हज़ार का मेरा सवाल आपने एक बैग खरीदा इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए या सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बैग हैं दिस इज माई कॉस्टिंग बैग 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 दिस 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 इज 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 अकाउंट्स लॉ आप सारे लेकर आ रहे हो एक ही बैग लिया या बहुत सारे बैग लिए एक ही बैग जो है लिया इसका मतलब ये जो खर्चा किया अकेला कॉस्टिंग का तो नहीं है अकेला कॉस्टिंग का तो नहीं है तो अगर अकेला कॉस्टिंग का नहीं है तो क्या पूरे दो आने चाहिए नहीं इसका कुछ जो है आना चाहिए मे भी आपने कहा सर 2000 है हम इससे पांच सब्जेक्ट अटेंड कर रहे हैं तो मेरा ऐसा क्या मानना है भाई कॉस्ट इस क्लास के लिए कितना ले लो चार सौ जो है आप लेना चाहे ले सकते हैं कुछ कुछ आइडिया दे रहा हूँ देखो अभी कॉस्ट पढ़ा नहीं रहा सिर्फ आपको बता रहा हूं कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है क्या क्या आ सकता है कई साल आपको लग जाएंगे अब मेरे को डिवाइड बाय फाइव करना है डिवाइड डिवाइड बाय बाय करना करना है 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 या वेटे लेना, या वेटेड एवरेज एवरेज लेना लेना सिंपल बहुत सारी चीजें आएंगी क्या कुछ की बात समझ आती है तो भाई कुछ की बात समझ आई कि भाई फीस के अंदर हाँ बच्चे कह रहे हैं सर शॉपिंग भी करिए ड्रेसेस भी लिया अबे नलायक तुम तो ऑनलाइन बैठे हो <laughs> <laughs> मतलब तुम क्यों कह रहे मतलब ये बच्चे कहें तो अच्छा लग रहा है तुम घर पे ही बैठ के घर पे तुम पजामे में हो हाँ कि तुम घर पे बैठ के भी क्योंकि इस समय वीडियो तो ऑन है नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे तुम घर में पजामे में बैठे हो पजामे दस साल पुराना हो गया ठीक है हाँ ये वाले बच्चे गए तो समझ आता है सर हमें नई नई ड्रेसेस हमने परचेज करी है इतना सारा सर मेकअप का सामान हमने खरीदा है कॉस्टिंग क्लास में आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा आपने मेकअप का सामान स्पेशली इस क्लास के लिए हाँ पूरे इंट्री ले लिया डिवाइड लि बाई फाइव कर देना सर सुबह मेकअप किया था और उसके बाद सर उस मेकअप से पांच क्लासेस को अटेंड जो है करनी है तो भाई कुछ, कुछ बात जो है समझ आई तो भी अगर आपने इस क्लास के लिए अगर आपने ड्रेसेस खरीदी है स्पेशली फॉर दिस क्लास तो भाई <coughs> बात वही है कितने रुपए एलोकेट करने कितने रुपए एलोकेट नहीं करने वो सर आपको पता जो है होना चाहिए ठीक है जी और कोई कुछ कहना चाहे उनको माइक दे दे सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए लैपटॉप लिया तो हाँ सर हमने आ, एक आपकी कॉस्टिंग क्लास ली पर साथ ही साथ सर आपके जो टेस्ट होते हैं सर टेस्ट होते हैं सर वो आप लैपटॉप पे जो है हमें लेने पड़ते हैं तो सर आपका जो बैकअप है वो लैपटॉप पे लेना पड़ता है तो सर उसके लिए हमने लैपटॉप भी ख़रीदा उस सर हमने लैपटॉप भी जो है ख़रीदा तो सर लैपटॉप मेरी क्लास की कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा आएगा फिर अगला सवाल वही पूरा पैसा या उसका आधा पैसा या और आगे बढ़ूँ और आगे बढूं आपने कहा इस लैपटॉप से पांच क्लासेस अटेंड करनी है पर सर लैपटॉप में अगले चार साल भी यूज करूंगा लैपटॉप का पूरा खर्चा एलोकेट करोगे या उसके डेप्रिसिएशन का वन फिफ्थ एलोकेट करोगे क्या ये बात समझ आती है मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि अगले पूरे तीन महीने में कई चीज़ों पे हमें सोचना है मेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है मैंने कहा लैपटॉप की लाइफ है दस साल तो मेरे को समाया सर हमने लैपटॉप बहुत बढ़िया लिया क्यों आप जब लैपटॉप लेने गए तो पापा ने क्या कहा देख बढ़िया लैपटॉप ले ले इंटर में भी काम आएगा फाइनल में भी काम आएगा आर्टिकल शिप में भी काम आएगा तो सर इस साल की डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करनी है और इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इस साल में कहाँ का यूज़ करूंगा उन सब में जो है एलोकेट कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जो है होना चाहिए कई बात समझ आती है तो हमने कहा भाई एक आइडिया आपको मिल गया जो मैंने कहा कॉस्ट क्या है इट इज एक्सपेंडिचर कुछ खर्चा है कुछ खर्चा है अभी तक आपने क्या बताया एक्चुअल सर हमने आपसे पढ़ने के लिए हमने कुछ खर्चा हमने क्या किया एक्चुअल खर्चा जो है किया इनकर्ड ऑन हमने स्पेसिफिकली रजिस्टर खरीदे स्पेसिफिकली हमने फीस पे करी हमने इनकर स्पेसिफिकली कॉस्टिंग क्लासेस के लिए काम किया और एट्रीब्यूटेबल टू सर कुछ कॉमन खर्चा भी किया और उसका कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं इस क्लासेस में यह बात समझ आती है कुछ खर्चा मैंने डायरेक्टली इनकर किया मैंने फीस डायरेक्टली कॉस्टिंग की जो है दी है ट्रैवलिंग का खर्चा कुछ चीज़ें मैंने खर्चा जो है किया जो मैं स्पेसिफिक खर्चा कर रहा हूँ दूसरा या कुछ कॉमन खर्चा है उसमें से मैं लैपटॉप की डेप्रिसिएशन का भी कुछ हल्का सा हिस्सा पूरी डेप्रिसिएशन नहीं उसका भी कुछ हल्का सा हिस्सा सर मैं इस कॉस्ट में जो है डालना जो है चाहता हूँ ये बात समझ आती है एट्रीब्यूट टू अ स्पेसिफिक थिंग अब वो कुछ भी हो सकता है आप एक यूनिट शुरू कर रहे हैं उस प्लांट का खर्चा निकाल रहे हो अपने बिजनेस का खर्चा निकाल रहे हो शोरूम का खर्चा निकाल रहे हो या किसी एक एक्टिविटी का खर्चा जो है निकाल रहे हो क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है तो भाई इसलिए मैंने कहा ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कॉस्ट में क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना ये अपनेटली अभी जितना इजी लग रहा है ये सबसे ज्यादा मुश्किल है कि कॉस्ट में क्या लूं और मैं क्या ना लूं कितना लूं कितना ना लूं क्योंकि अगर कॉस्ट सही निकली क्योंकि बेस मेरा वही है अगर कॉस्ट में सही निकाल पाऊंगा उसमें अगर प्रॉफिट ऐड करूंगा तभी तो सेलिंग प्राइस सही निकलेगा अगर कॉस्ट ही गलत निकल गई सारा का सारा मैटरी गड़बड़ जो है हो जाएगा तो ये बिजनेस में जो मैंने कहा ना बिजनेस का सबसे मेन आपका बिजनेस शुरू ही यहाँ से जो होता है आप कॉस्ट को सही निकाल लो अगर कॉस्ट सही तरीके से निकल गई और उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट है इस कॉस्ट को मैनेज भी कर लो कॉस्ट निकाल भी लो कॉस्ट को मैनेज कर लो उसके बाद तो मैंने कहा फिर मैं खुद भी चाहता हूँ आप बिजनेस जो है बने बस ये बनने के बाद मेरा तो लिटली मन है कि आप एंटरप्रेन्योर जो है आप बने तभी जाकर आपके सपने जो है वो शायद पूरे जो है होंगे तो भाई उसके लिए सारी शुरू वही है कॉस्ट अगर सही निकाल ली तो खेल मस्त जो है आपका हो जाएगा कंफर्टेबल है ऐसे ही कॉस्ट में अभी तो आपने कहा एक्चुअल खर्चा खर्चा एक्चुअल के साथ साथ Notional भी हो सकता है ये भी ऐड करना है नोशनल खर्चा नोशनल का मतलब शायद इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा पढ़ा हो अच्छा नहीं पढ़ा चलो कोई बात नहीं खर्चे अब दो प्रकार के होंगे एक खर्चा एक्चुअल खर्चा जो आपने अब तक जो है अच्छे से पढ़ा सेकंड नोशनल आपके लेवल पर मैं कह रहा हूं इमेजिनरी <laughs> आपके लेवल पर अभी बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है इमेजनरी अकाउंट्स में नहीं आता और कहीं नहीं आएगा पर मेरे कॉस्ट में जो है आएगा इमेजनरी खर्चा जिसको शायद आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ पढ़ा उसका एक पार्ट है ऑपरचुनिटी कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नोशनल कॉस्ट ऑप्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट नोशनल कॉस्ट नोशनल कॉस्ट एक वाइडर टर्म है इसमें इंप्लाइड कॉस्ट भी आ जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो है वो कई सारी चीज़ें जो है आती हैं तो कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी हमने कहा एक्चुअल खर्चा भी लेना है और साथ ही साथ क्या लेना है नोशनल खर्चा भी लेना एक इमेजिनेशन भी मेरे को जो है लेनी है फिर इस बात को समझे आ, इसी बात को समझते हैं मान लीजिए अब मैं अपनी बात करूं मैंने कहा मुझे आपको बढ़ाना है मुझे आपको बढ़ाना है तो मैं अपना खर्चा भी निकालूंगा मैंने कहा मुझे आपको बढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या खर्चा जो है किया तो मैंने बहुत सारा खर्चा जो है मैंने किया मैंने बहुत सारा खर्चा मान लीजिए किया अभी मैं रेंट दे रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूं आपको किताबें देनी है बहुत सारा खर्चा जो है मैं कर रहा हूं ठीक है जी और मान लेते हैं मैंने अपना इंस्टीट्यूट मैंने अपना इंस्टीट्यूट मेरी सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है उसी में मैंने शुरू किया मान लीजिए मेरी ही बिल्डिंग है इसी में मैंने जो है ये बिजनेस करना शुरू किया ठीक है जी तो भाई अगर ये मेरी खुद की बिल्डिंग है तो क्या मैं रेंट चार्ज करूंगा खुद से नहीं ऐसा तो कोई काम नहीं होता भी मेरी खुद की बिल्डिंग है तो बिजली का बिल मैं पे करूंगा सब कुछ पे करूंगा पर मैं रेंट चार्ज जो है नहीं कर रहा ठीक है जी अब सोच के बताइए मैंने आप सबको पढ़ाया आप सब से फीस आई रेवेन्यू आया मैंने सारे के सारे खर्चे लेस करे और मान लेते हैं मैंने प्रॉफिट कमाया मान लेते पांच लाख रुपए ठीक है जी आपके बैच से आपके बैच से मैंने आपके बैच से कितना रेवेन्यू आया वो लिख दिया इस बैच का कितना खर्चा हुआ वो मैंने लिख दिया और मैंने प्रॉफिट कमाया पांच लाख रुपए ठीक है जी मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने पांच लाख रुपए मैंने जो है कमाए मान लीजिए पूरे साल मैंने आपको पढ़ाया और पूरे साल मैंने कितने कमाए पांच लाख रुपए जो है कमाए अब अगर ये प्रॉपर्टी अगर ये प्रॉपर्टी मैं रेंट पर दे देता अगर ये प्रॉपर्टी मैं नहीं पढ़ाता तो मैं क्या करता मैं रेंट पर जो है दे देता अगर ये प्रॉपर्टी में रेंट पर जो है दे देता तो रेंट मेरे को आज मार्केट से पता चला रेंट मेरे को 25 लाख रुपए का मिल रहा है रेंट मेरे को 25 लाख रुपए का मिल रहा है अब आप खुद सोच के बताएं मेरे को इस समय खुश होना चाहिए या मेरे को अफसोस मनाना चाहिए मैं क्या कहूं मैंने पांच लाख रुपए कमाए या बीस लाख रुपए गवाए? गवाए पांच लाख कमाए या बीस लाख गवाए बीस लाख गवाए क्या ये बात समझ आती है इस बात को समझे तो मैंने कहा भाई अगर मैं नहीं पढ़ाता तो मैं पच्चीस लाख कमाता अगर मैं नहीं कमाता तो पच्चीस लाख कमाता आज मैं पढ़ाकर पांच लाख कमा रहा हूं तो भाई सीधा सीधा मेरा बीस लाख का क्या हो गया लॉस हो गया बीस लाख का लॉस जो है हो गया और इसी को हम जब निकालते तो हम क्या करते मैंने इसी में से लेस किया मैंने कहा यह भी मेरी क्या है कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने कहा मेरा पच्चीस लाख का मेरा खर्चा है अगर मैं नहीं पढ़ाता अगर मैं आप पढ़ाऊँगा पढ़ाने का मेरा खर्चा है मैं इसको क्या बोल रहा हूँ पढ़ाने का मेरा खर्चा है पच्चीस लाख तो मैंने कहा मेरा नेट लॉस कितना हो गया बीस लाख का मेरा लॉस जो है हो रहा क्या ये बात समझ आती है कहने को अकाउंट्स की बात करें अब मैं जब पी बनाऊंगा मैं क्या कहूंगा पाँच लाख कमाए अकाउंटिंग एस्पेक्ट अलग चल रहा है वो तो कह रहे हैं एक्चुअल आपने कितना खर्चा किया मैंने कभी एक्चुअल खर्चा कितना हुआ कुल मिला के मैंने नेट प्रॉफिट कितना कमाया पाँच लाख पर यहां बात क्या कर रहे हैं बिजनेस की क्या ये बिजनेस मैंने सही किया गलत किया मैंने गलत किया क्यों मैं वही कह रहा हूं इस बिजनेस करके मैंने पाँच लाख कमाए इसकी जगह अगर मैं रेंट पर देता पच्चीस लाख कमाता मैंने बीस लाख जो कमा सकता था मैंने वो गवा दिया जस्ट बिकॉज मैंने बिज़नेस जो है किया इसका मतलब इस बिज़नेस की वजह से मैंने बीस लाख का नुकसान जो है मैंने कर दिया है इस बीस लाख का मैंने नुकसान जो है मैंने कर दिया है क्या ये बात समझ आती है इसलिए इस बीस लाख का नुकसान कैसे करें मैंने कहा यह कमाया एक्चुअल कॉस्ट भी माइनस करेंगे मेरी नोशनल कॉस्ट भी माइनस करेंगे उसके बाद देखेंगे अगर मैं उसके बाद कमा रहा हूं तो तो मैंने एक्चुअल में कमाया है अगर उसके बाद नहीं कमाया फिर मेरा गड़बड़ जो है हो जाता ठीक है जी पहले तो यहां तक किसी को अब कोई भी डाउट हो यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो पीछे माइक जो है उनको आप दे दें uh, कॉस्ट में सैलरी करेंगे करेंगे या नहीं, करेंगे? नहीं ये आ गया ना। जैसे रेंट आ गया। ऐसे इंप्लाइड इंप्लाइड सब कुछ आएगा, में जाएगा ना वो? सब कुछ आएगा। जैसे मेरा रेंट मैंने अपने पैसे से बिजनेस शुरू करा अगर पैसे यहाँ नहीं लगाता तो क्या करता बैंक पे लगाता इंटरेस्ट लूज कर रहा हूं इंप्लाइड इंटरेस्ट भी आएगा मैं अगर यहां पढ़ा रहा हूं मैं सैलरी क्लेम नहीं कर रहा अगर मैं यहां नहीं पढ़ाता कुछ और काम कर रहा होता और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आ जाती okay. क्या ही बात क्लियर है ओके सर ऐसी कली मजाक चल रहा था इन्होंने पूछा था ऐसी मजाक जो है चल रहा था कल परसों मैं मूवी देखने जो है मैं गया ठीक है हाँ तो परसों जो है मैं मूवी देखने जो है चला गया तो वैसी हंसी मजाक चल रहा था कि भाई तीन घंटे की ढाई घंटे की मूवी है तो ऐसी बात चल रही थी भाई कितना खर्चा हुआ तो भाई कितना खर्चा जो है हुआ तो वैसी बात चली क्योंकि हाँ मूवी जो है मैं अपने ब्रदर के साथ देखने गया था तो आई गेस थ्री हंड्रेड रुपी की शायद वो मूवी टिकट थी और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी थी तो एक के साथ एक फ्री हो गया था तो वहाँ से बात शुरू हुई थी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी तो वन प्लस वन का ऑफ़र था और वो थ्री हंड्रेड की टिकट शायद थी और उसमें शायद कुछ हैंडलिंग चार्जेस शायद वो लिए थे तो शायद अस्सी रुपये पड़ा तो तीन सौ अस्सी रुपये हमने पे करा वन प्लस वन ऑफ़र था तो डिवाइड बाई टू जो है हो गया तो वहीं से मजाक शुरू हुआ था कि देखो कितनी सस्ती मूवी जो है पड़ी तो बाद वहाँ से शुरू भी मूवी कितनी सस्ती जो है पड़ गई कि हमें लास्ट रो की हमें सीट मिली टाइमली हमने पे करा और हमें एक के साथ एक फ्री जो है हुआ तो मैंने कहा मूवी का, का खर्चा कितना होता है तो उन्होंने कहा भाई देखो तीन डिवाइड बाई टू जो है कर दिया तो भाई एक सौ की मूवी टिकट जो है वो शायद पड़ी हाँ वहाँ पर हमने पॉपकॉर्न लिए सारा कुछ किया तो कर, कर आके वो सारा आया तो मैं वैसे ही हंस रहा था मैंने कहा मेरे को बहुत महंगी पड़ती है मूवी टिकट मेरे को बहुत महंगी पड़ती है मूवी टिकट तो वैसे ही बात जो है वो शायद चली मैंने कहा अगर मैं मूवी नहीं देख रहा होता तो मैं पढ़ा रहा होता <laughs> तो अगर मूवी नहीं देख रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता मैं पढ़ा रहा होता तो वैसे ही पीछे कई बार हमने ना कैलकुलेट किया था कि मेरे को कितना रेवेन्यू आता है और मैं कितने आवर्स पढ़ाता हूं तो भी कितना रेवेन्यू आता है डिवाइड बाई आवर्स तो रफली इट कम आउट टू बी वन लाख रुपीज पर आवर तो क्या हो गया <laughs> ये आपको ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है अच्छा चलो ठीक है चलो तो ऐसी बात चल रही थी कि भाई मैंने कहा यार मैंने यहाँ पे ढाई घंटे ढाई घंटे मूवी लगाए हैं तो मेरे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो मैंने कहा कितनी हो गई ढाई लाख रुपए तो मैंने कहा ढाई लाख एक सौ नब्बे रुपये तो मैं ऐसी बात चल रही थी मैंने कहा मूवी देखना मतलब मेरे लिए बड़ा कॉस्टली अफेयर जो है वो शायद हो जाते हैं ढाई लाख तो मैंने अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता अगर मैं नहीं मूवी देख रहा होता तो शायद मैं पढ़ा रहा होता तो अगर मैं पढ़ा रहा होता तो दो लाख मतलब आपकी जो क्लास है दो लाख रुपये की बात चल रही है यहाँ पर हाँ आप मजाक चल रहे हैं मतलब मैंने आज पर क्लास के दो लाख रुपए मुझे आराम से जो है मेरे को शायद जो है डेढ़ से दो लाख रुपए का रेवेन्यू जो है मैं अर्न जो है कर रहा हूँ तभी मेरा हर एक टाइम बड़ा कीमती जो है वो शायद चलता है <laughs> ठीक है एनिवे जो ने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और तभी शायद शायद आप समझ पाए आप अपने टाइम को आप अपने टाइम को बहुत कैजुअली यूज़ करते हैं. जितने एंटरप्रेन्योर हैं ऐसे बात करें जितने टॉप के बिजनेसमैन हैं आप चेक करें उनका टाइम वो बहुत सारी बातें जो है करते आपके लिए शायद क्या होता है ना आपको तो सारे शायद क्रिकेट मैच देखने होते हैं ए टू जेड सारे क्रिकेट मैच क्यों क्योंकि आपकी ऑपरचुनिटी कॉस्ट नहीं है अगर आप क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हो तो क्या कर रहे होते सो रहे होते <laughs> है ना अगर आप क्रिकेट मैच नहीं देख रहे होते तो आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आपकी ऑपरचुनिटी कॉस्ट नहीं है पर जितने टॉप के जो बिजनेसमैन होते हैं क्या वो सारे क्रिकेट मैच देखते हैं नहीं वो नहीं देखते इवन वो क्रिकेट मैच कौन से देखते हैं वो वो देखते हैं जहाँ पर आज मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं क्या वो सारे क्रिकेट मैच देख रहे होंगे नहीं पर वो कोई स्पेसिफिक देखते हैं कब देखते हैं इंडिया पाकिस्तान जरूरी नहीं उनके लिए उनके लिए जरूरी है जिस कंट्री के साथ टाई अप करना है उनकी ऑपरचुनिटी कॉस्ट होती है अगर मैं सीखने जाता हूँ और उस कंट्री के साथ अगर कुछ टाइप होता है उनकी कॉज बैटर वहाँ से सारी स्टोरी जो है वो शायद चलती है उनके लिए वो क्रिकेट मैच नहीं है वो कह रहे हैं अगर मैं दो घंटे किसी मैच पर लगा रहा हूँ मेरे को उन डिप्लोमैट के साथ बातचीत करनी उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन जो है मुझे बनाने उनके साथ ट्रीटीज करनी है ऐसा नहीं होता वो मैच देख बस आ गया बड़ा मज़ा जो है आया उनके लिए वो मैच नहीं है उनके लिए वो एक प्लेटफॉर्म है उन कंट्री के साथ टाइप करने का उनका वो प्लेटफॉर्म जो है बनता है इसलिए उन सब की बात करें वो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो शायद जो है करते हैं अब आपको देखना है आप अपने 24 घंटे कैसे यूज करते हैं उस टाइम को वैल्यू करना जो है आप शुरू जो है करें जितना टॉप तक जाओगे ना उतना आप ये सोशल मीडिया से दूर हो जाओगे मैचेस से दूर हो जाओगे आपको पता है चार घंटे यहाँ पर लगाना वर्थ है या नहीं है ठीक है एनीवेज तो जो उन्होंने कहा कि भाई एम्प्लाइड में क्या क्या आएगा आपके ऊपर है इम्प्लाइड आपका आप खुद अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो आप अगर वो नहीं लगाते कितना पैसा कमा सकते थे आपके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट कमा सकते थे आप प्रॉपर्टी से कितना कमा सब कुछ इसके अंदर जो है आ सकता है पर फिर से वही कहूंगा इतना डिटेल में मत चले जाना क्योंकि अगर आप इतना सोचना शुरू करोगे सोचो अगर मैं ऐसे मैं अगर सोचे लग जाऊं एक मूवी देखने का मेरा ढाई लाख का खर्चा है क्या मूवी देख पाऊंगा नहीं इसलिए मैं कहीं ना अपने आपको में रखता हूं मैं सारी मूवीज देखता हूं लग गए ढाई लाख रुपए कोई दिक्कत नहीं ठीक है इसलिए मेरे को स्टोरी नहीं है मेरे को इतना पता है मेरे को जो चाहिए अपनी जिंदगी में मेरे को मिल रहा है तो मैंने कॉस्ट के साथ साथ ऐसा ना हो जाए तो मैं एक विषय बनाई थी कि कॉस्ट के साथ कई बार ना बहुत मनी माइंडेड हो जाते हैं हर चीज के आप जब कॉस्ट निकालना शुरू कर देंगे ना ये पेरेंट्स करते हैं जिनके पेरेंट्स बिजनेस मैन है ना वो फैमिली को टाइम नहीं देते क्यों उनकी कॉस्ट लग रही होती है अगर एक घंटा जल्दी आ गया तो दुकान जल्दी बंद करने जल्दी बंद करने में दो पैसे मेरे कमा अरे यार कितना कमाओगे कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस बनाना तो मैं ना ये बहुत जरूरी है आप अगर मेंटल पीस के साथ नहीं है और अगर आप अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो गड़बड़ जो है हो जाएगा ऐसी शायद है ना बातचीत वो याद आया कि आ, एक पर्सन एक बिजनेसमैन जो है आ, वो शायद डेथ बेड पर था एक बिजनेसमैन जो है ना मतलब बिल्कुल डेथ बेड पर है तो इस समय बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें जो है वो ले रहा है तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि भाई अब ये कभी भी जो है भाई आपके दादाजी कभी भी जो है वो जाने वाले हैं तो भाई सबको फ़ोन कर देते हैं कि भाई दादाजी जाने वाले हैं प्लीज़ सारे के सारे जो है आ जाओ तो वो बिल्कुल आईसीयू में डेथ बेड पर जो है दादाजी लेटे हुए हैं और किसी भी समय उनका ऑफ़ जो है हो जाएगा तो भाई इस समय बैठे हैं सारे लोग उनका पूरा परिवार इकट्ठा जो है हो गया तो दादाजी देख रहे हैं हाँ भाई राम श्याम तुम दोनों यहाँ पर हो हाँ आप पापा हम दोनों यहाँ पर हैं अच्छा उनके आगे जो पोते हैं मेरे पोते कहां कहा पर हैं तो सारे हाँ दादाजी हम भी यहाँ पर हैं तो करके सब गिन लिया, मेरे पोते, दोगते, दोगते, सारे पर है, तो कौन है तो इतना भी इतना भी हमें पैसा जो है नहीं कमाना कि इंसान मर रहा है और कह रहे जब सारे यहां पर है तो दुकान पर कौन होगा तो यार कहीं ना कहीं तो रुकना बहुत जरूरी जो है हो जाएगा चलो तो भाई वही बात करें तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है आप रोक के चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर कॉस्ट को समझते हैं इस बात को और समझें क्योंकि अगर ये कॉस्ट समझ आ जाएगी आगे के सारे चैप्टर इजी जो है हो जाएंगे तो भाई चाय की बात करें तो भाई पिला नहीं रहा हूं मैं सिर्फ आगे कॉस्ट निकालने सिखा रहा हूं तो भाई चाय की बात करें आराम से सोचना एक ढाबे पर गए ढाबे पर आपको चाय मिल रही है पांच रुपए की चलो और अगर आप होटल में जा रहे हैं वो आपको मिल रही है पांच सौ रुपए की तो भाई आप ढाबे पर जा रहे हैं तो मैं भी रुपए रुपये दस रुपए पंद्रह रुपए इतने की चाय मिल रही है फाइव स्टार होटल में जाते हैं यह चाय पांच सौ रुपए की जो है मिलती है पांच सौ रुपए की चाय जो है मिलती है क्या होटल वाले इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं? सवाल यह है ढाबे पर चाय इतनी चाय सेम क्वांटिटी ऑफ चाय ढाबे पर मिल रही है पांच रुपए की फाइव स्टार होटल मिल रही है पांच सौ रुपए की क्या फाइसर होटल ये अनरीजनेबल चार्ज कर रहे हैं ढाबे की चाय और फाइसर होटल की चाय में इतना डिफरेंस क्यों डिफरेंस है कि नहीं है डिफरेंस होता है पीछे आया भी था एक एक्टर ने इंस्टा पर शायद पोस्ट डाली भी थी एक एक्टर ने शायद बनानास की कि उन्होंने शायद एक एक्टर ने बनाना शायद ऑर्डर करे थे और तीन या चार बनानास आए थे और कितने रुपए के थे पाँच सौ रुपए हाँ तो वे कह रहे बनानास और करे, और बिल आया पांच सौ रुपए का और वो एक्टर ने इंस्टा पर जो है पोज डाली फाइव स्टार होटल में बनानास पाँच सौ रुपए के और ही वॉज वेरी अपसेट ही वॉज वेरी अपसेट और उसने गुस्से में इंस्टा पर पोज डाली तीन केले पांच सौ रुपए के मिल रहे क्या लूट मचा रखी है फाइव स्टार होटल ने क्या लूट मचा रखी कितने पोज देखी थी कईयों का थोड़ी पुरानी पोस्ट है तो पांच सौ रुपए के बनाना उन्होंने जो है डाले क्या ने लूट मचाई आखिर कॉस्ट में क्या क्या आता है आप ही मुझे बताएं क्या फर्क है ढाबे की पांच रुपये और होटल के पांच सौ रुपये लो जी माइक देना जो है शुरू करें <laughs> सर सबसे पहले जब हम होटल में जाते हैं किसी भी सर हमें वैले पार्किंग होती है ओके okay. सर, सर उसकी सर मतलब प्रॉपर सीजर लग्जरी होती है सर जैसे हम जाते हैं एम्बुएस की कॉस्ट होती है सर हम जहाँ बैठे हैं सर वहाँ प्रॉपर अलग होता है सर सीटिंग अरेंजमेंट सारा ठीक है इन्होंने कहा सर देखो अब बात समझ में आना फिर बताना सही गलत है इन्होंने कहा सर देखो ढाबे पर भी चाय मिल रही है और होटल में भी चाय मिल रही है पर सर दोनों की चाय की कॉस्ट अलग अलग जो है चलेगी दोनों की चाय की कॉस्ट सर अलग जो है चलेगी उन्होंने कहा सर सीधी सी बात है सर ये मात्र फाइव स्टार है ये क्या है सर फाइव स्टार होटल है पांच सितारे इसमें जो है लगे हैं सर फाइव स्टार होटल बनाने के लिए सर ने एक एम्बियंस क्रिएट किया है सर इंसान चाय पीने फाइव स्टार में क्यों जा रहा है सर वो सिर्फ चाय पीने नहीं जा रहा उसमें एक एम्बियंस मिलता उसको एक एम्बियस मिलता है सर वो एम्बियंस क्रिएट करने की कॉस्ट है और आप खुद सोच के बताएं क्या उस एम्बियंस की कॉस्ट इस चाय के अंदर एट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे यहाँ जो शब्द था स्पेसिफिकली चाय पर इंकर नहीं है पर इस खर्चे की वजह से सर छोटी सी बात है आप चाय पीने इस होटल में आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एम्बियंस सर यहाँ पर जो एम्बियंस हमने क्रिएट करा एक वाव फैक्टर क्रिएट करा है सर तभी तो आप चाय पीने आ रहे हैं सर तभी तो आप चाय पीने जो है आप आ रहे हैं सर ये तो क्या है फाइव स्टार होटल है और सर ढाबा क्या है ढाबा तो मल्टी स्टार है ढाबा तो मल्टी स्टार है सर बाहर माचा लगा दिया आसमान में इतने सारे तारे हैं तारों की छाव में आप जो है चाय पिए सच सही बात है वो तो फाइव स्टार है अब उसको फाइव स्टार लाने के लिए उसको क्या है एम्बियंस क्रिएट जो है करना जो है पड़ा है सर उसको इटालियन मार्बल उसको लगाना पड़ा मैं बहुत सारे पत्थर अलग अलग कंट्री से जो है लेकर आए फ्लोरिंग उनको चेक करना है वॉल पेपर्स उनको चेक करने क्या बढ़िया झूमर जो है उन्होंने लगाया है पर ढाबे का क्या है वो तो नेचुरल झूमर है आसमान में इतने सारे तारे हैं अलग से कॉस्ट उसकी जो है वो शायद नहीं लगी तो सर ये कॉस्ट उस चाय के अंदर कुछ खर्चा तो डालना पड़ेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब सर ये फाइव स्टार है इसलिए इनकी मजबूरी है सर ज़्यादा तारे नहीं है सिर्फ पांच तारे हैं इसलिए सर इनको आर्टिफिशियल कूलिंग करनी पड़ती है सर एसीज़ लगाने पड़ रही हैं ए लगाने पड़ रहे हैं सर ए का खर्चा ही सर लाखों रुपये महीने का जो है आ रहा है सर वो कंफर्ट देने के लिए वो कंफर्ट देने के तभी तो आप यहाँ पर आए हो सर यहाँ पर आए हो तो सर वो जो ए का खर्चा है इसके अंदर ऐड करोगे कि नहीं करोगे सर ये फ़ाइव स्टार है आप बात समझो और ये क्या है मल्टी स्टार नेचुरल कूलिंग ठंडी ठंडी हवा चल रही है हवा का झों का आह और आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं आप चाय की चुस्कियाँ जो है तभी तो लोग ढाबे पर भी जाते हैं ढाबे क्यों जाते हैं इसी चक्कर में कई बार मन करता है मतलब कई बार हमें लगता है यार फाइव स्टार में वो मजा नहीं आ रहा कई बार हम छोड़कर सिर्फ ढाबे पर लॉन्ग ड्राइव में गए और ढाबे पर जाते जस्ट बिकॉज उस माचे पर जो है बैठना है वो माचे का भी अपना ही कंफर्ट है उस माचे पर बैठना है रात को इतने सारे तारे हैं और ठंडी ठंडी हवा के झोंके पर जो है फिर बातचीत जो है चल रही है अब उस हवा के झोंके का कोई खर्चा तो नहीं है उन तारों का कोई खर्चा जो है नहीं है तो क्या उस कॉस्ट में आएगा इसमें कोई कॉस्ट में नहीं आएगा पर सर यहाँ पर वो सारा कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर सर क्या है माचा है वही बीस साल पुराना है याद नहीं कभी उसे धोया था नहीं धोया था और यहाँ पर सर काउचे हैं यहाँ पर सोफाज हैं यहाँ पर सर हमने बहुत सारा इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया था उसने सारी चीज डिजाइनिंग जो है करी है डेली ड्राई क्लीन हो रहा है डेली सफाई हो रही है सर वो खर्चा इसमें आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल जो है आ जाएगा और बताओ सर इतना ही खर्चा है जी हाँ जी आगे आगे बढ़ते हाँ माइक जो है ले जीएसटी नहीं लगता यहां पर जीएसटी जो है लग जाता ठीक है टैक्स को छोड़ देते और खर्चे की बात करते सर वहां का स्टाफ बहुत ज्यादा वेल क्वालिफाइड होता है हाँ अब सर वही वाली बात है इस चाय को बनाने में सर यहां पर यहाँ पर जो चाय बना रहा है वो जो पर्सन है या उसको जो असिस्टेंट है हो सकता है अनपढ़ होंगे या टेंथ पास होंगे सर ज्यादा नहीं है पर सर यहाँ पर फाइस होटल का जो जो कुक है उसको हम शेफ़ बोलते हैं कुक भी नहीं बोल पाते तो सर वो मास्टर शेफ है सर वो मास्टर शेफ है उसको शायद एक लाख दो लाख रुपए महीने की तनख्वाह जो है दे रहे हैं सर वहाँ जो चाय सर्व कर रहे हैं सर वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं सर उनको हिंदी क्या इंग्लिश क्या इटालियन क्या जर्मन क्या सर उनको बहुत सारी लैंग्वेजेज आती हैं सर उनको हम लाख रुपये महीना जो है हम उनको कहने को वेटर हैं पर सर वो हाईली क्वालिफाइड हैं तो सर यहाँ पर वो जो छोटू है उसको शायद पांच हजार रुपए महीना दे रहे होंगे और सर यहाँ पर एक लाख रुपए महीने के तो शायद हमने वेटर रखे हैं सर दस लाख रुपए महीने का हमने शेफ रखा है और शेफ क्या बना रहे हैं चाय बना रहे तो सर खर्चा आएगा कि नहीं आएगा खर्चा दोनों का चेंज जो है होगा और बताए के पैसे क्वालिटी क्वालिटी थोड़ा और बताए सर जैसे कि मतलब प्रीमियम चाय पत्ती वगैरह हाँ जी अब एक चीज तो ये भी है सर दोनों चाय की क्वालिटी में भी फ़र्क है ये मानती हूँ सर यहाँ पर चाय में जो पानी यूज़ करा नलके का है और यहाँ पर पानी जो यूज़ कर रहे हैं वो फिल्टर हो सकता है एक्वा फिल्टर जो है आपका हो सकता है सर यहाँ पर जो चाय पत्ती है वो बहुत बेसिक चाय पत्ती है और यहाँ पर जो चाय पत्ती है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम चाय पत्ती जो है आती मतलब आप में से जितने लोग चाय पीते हैं चले फिर बताऊँगा आपको चाय का टेस्ट नहीं पता मतलब चाय की भी इतनी ग्रेड्स हैं, चाय की इतनी वैरायटी है एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर चाय पत्ती की बात करें तो एक कप एक कप अगर मतलब दी बेस्ट अगर चाय की बात करें एक कप बनाने की कॉस्ट कम आउट टू बी रफली अबाउट टेन थाउजेंड एक अच्छी चाय पत्ती एक अच्छी अगर चाय की बात करें जो मैं कह सकता हूं जो टॉप के लोग अगर जो चाय पी रहे हैं उनका जो चाय पत्ती है जितना मुझे पता है कश्मीर और शायद डार, नहीं कश्मीर में दार्जिलिंग की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल असम दार्जिलिंग उनकी जो चाय पत्ती है उसमें भी अलग अलग ग्रेड आते हैं और उसमें भी प्रीमियम एक्स्ट्रा प्रीमियम जो ग्रेड है एक्स्ट्रा प्रीमियम जो ग्रेड है उसके अंदर अलग अलग वरायटी जो है आती है आई वॉज इन फाइव स्टार होटल वहाँ पर मेन्यू में ही मतलब मैं ना फोटो आ, सोचा था आपको दिखाऊंगा पर मेरा मन नहीं किया पर एनी वेज वहाँ पर उस होटल में मतलब चाय के अलग अलग थे दो सौ रुपये तीन सौ रुपये पाँच सौ रुपये छः सौ आठ सौ एंड देर वॉज अ दार्जिलिंग टी उसकी उनकी कॉस्ट थी फाइव थाउजेंड रुपीज पर कप हमने उनसे पूछा था कह सर ये एक्स्ट्रा प्रीमियम और वो तो एक बेसिक होटल कह सकता हूँ सुपर स्टार तो नहीं कहूँगा पर हाँ फाइव थाउजेंड रुपीज तो वो चार्ज कर रहे थे फॉर अ बेसिक कप तो बात है इस चक्कर में भी आपकी जो यहाँ पर टीया बना रहे वो चाय पत्ती शायद एक बेसिक यूज़ कर रहे हैं पर प्रीमियम चाय पत्ती यहाँ पर जो है यूज़ होगी यहाँ के जो फ्लेवर्स हैं यहाँ के फ्लेवर में तो एक बात ये भी क्लियर हुई चाय जो पिला रही है उसकी कॉस्ट में भी फ़र्क है उसके मटेरियल में भी फ़र्क तो है उसके जो लेबर है जो चाय बना रही है उसमें भी फ़र्क है और चाय जहाँ पिला रहे हो उसमें भी फ़र्क जो है वो शायद आ जाता है इसलिए कॉस्ट में ये फर्क जो है आता है लो जी और कोई कुछ कहना कटलरी सीधी सी बात है आपको चाय जिसमें सर्व कर रहे हैं यहाँ पर आपको जो ग्लास में सर्व कर रहे हैं और यहाँ की जो कटलरी है जमीन आसमान का फर्क है और मैं फिर कह सकता हूँ कटलरीज मतलब अलग अलग लेवल की कटलरीज होती है जो लगता है मतलब कई बार तो कुछ कटलरीज ऐसी आती है कई बार मतलब अपना एक्सपीरियंस कह सकता हूँ कई बार कटलरी है ना ऐसा लगता है इसको छू के गंदी हो जाएगी मतलब कई बार तो लिटली ऐसा लगता है कि इतनी फाइन कटलरीज होती हैं इतनी फाइन कटलरीज होती है और कई बार जो है मतलब कटली उठाने की ऐसा लगता है कि वो थम इंप्रेशन हाथ बुनू साफ है पर इंप्रेशन इतना पड़ गया और बाद में लगता है यार मेरा घूटा उसमें दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा इतनी फाइन कटलरीज होती हैं और वही बात है वो कटलरी के चक्कर में ही तो वहां पर चाय पीने जाते हैं वो कटलरी का लेवल ही अलग है इसलिए अब बताओ उस कटलरी का डेप्रिसिएशन उस कटले का डिप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा हंड्रेड परसेंट जो है वो शायद जो है आएगा हाइजीनिक होता है होटल में हाइजीनिक भी होता है ठीक है हाइजीनिक भी आपका जो है वो रहता है ऑब्वियसली ढाबे पे चाय है थोड़ा सा अनहाइजीनिक रहेगा और वहाँ पर जो थोड़ा हाइजीनिक का भी होता है तो वो हाइजीन मेंटेन करने के लिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी आपको खर्चा जो है करना पड़ता है क्या कुछ को बात समझ आती है तो क्या आपको लगता है कि ये पाँच सौ रुपये चार्ज करते हैं? नहीं करते मतलब व्हेन आई वॉज योर एज तब मुझे भी लगता था क्या लूट मचा रखी है मतलब व्हेन आई वॉज एट योर एज मुझे लगता था मतलब आप सुनते भी होंगे मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान ऐसा नहीं होता ऐसा एक्चुअल में नहीं होता आप फाइव स्टार में जाते हैं फिर मेरे को जो अच्छे होटल्स हैं मतलब फाइव स्टार में बहुत सारे आते हैं जो मैंने कहा मैं टाटाज की जब भी बात करता हूँ टाटाज की बात करें ओब्रॉयस की बात करें मतलब जो टॉप पर रिटेन अपने आप को करते हैं वहाँ स्टोरी वही है उनकी बेस्ट क्वालिटी है पर उनका प्राइस एक्चुअल में रीजनेबल होता है मेरे को लगता है कि वो वर्थ है वैल्यू फॉर मनी जो है वो शायद उनका आते है एक्चुअल में अगर बनाना की बात करें वो पाँच सौ का चार्ज कर रहे हैं जेनवली उनकी कॉस्ट पड़ती है रोड साइड बनाना और फाइव फाइटरी बनाने में भी फर्क है उन दोनों के उसमें फ़र्क आता है एक तो क्वालिटी में ही फ़र्क है एक तो क्वालिटी में ही जो है वो शायद फ़र्क आता है उसके बाद फिर जैसे आप सर्व कर रहे हैं फिर बनाना जिस कटलरी में गया है ऑब्वियसली आप फाइव स्टार होटल में आप ले रहे हैं वो सर्व जो किया उस कटलरी का डेप्रिसिएशन उसमें आएगा वो बनाना आप जो सर्व करें एक टेम्परेचर पर सर्व जो है करते हैं उसको उस टेम्परेचर पर लाने की कॉस्ट जो है वो शायद जो है आते है, फिर एक फॉयल में रैप करते हैं उस रैप की कॉस्ट उसमें इंक्लूड होगी उसके बाद वो जो पर्सन है जो बनाना आपको सर्व करने आया है वो एक एजुकेटेड पर्सन है जिसको एक लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रहे हैं उसने आपका ऑर्डर आपका लिया है उसमें आधा घंटा लगा है उसकी आधे घंटे की सैलरी उसमें इंक्लूड करनी करनी पड़ेगी मजबूरी है तब जाके ये कॉस्ट पाँच सौ रुपये की जो है पड़ती फिर हाँ रीजनेबल प्रॉफिट भी चार्ज उन्होंने पचास रुपये इसका चार्ज भी जो है प्रॉफिट भी जो है किया होगा क्या कुछ कुछ बात समझ आती है भाई आज की क्लास में एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहा हूँ आखिर कॉस्ट कैसे निकालते हैं क्या क्या हमें निकालना है कैसे इसको आगे जो है अपन को बढ़ना है लो जी और इसी के आगे लिखें हाँ जी इसी के आगे जो है लिखे कॉस्ट लीडरशिप कॉस्ट लीडरशिप और मेरा मन है आप कॉस्ट लीडर जो है आप बन जाए आप कॉस्ट लीडर जो है आप बने और कॉस लीडर कौन बनता है इट इम्प्लाइज प्रोड्यूसिंग इट इंप्लाइज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट इट इम्प्लाइज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऐसे करो प्रोवाइडिंग सर्विसेज कर दो हम सर्विस प्रोड्यूस नहीं करते प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड या और प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट हमारा पर्पज क्या है एट लोवेस्ट कॉस्ट एट लोवेस्ट कॉस्ट पर इंपॉर्टेंट क्या है वाइल मेंटेनिंग While maintaining its quality? while maintaining its quality? बस इस शब्द को माइंड में रखना और अगर आप विजन रख सकते हो बिकम अस्ट लीडर ये मैं कह सकता हूं बिकम अस्ट लीडर डेफिनेटली आप बहुत आगे जो है आप बढ़ जाओगे कॉस्ट लीडर कौन है ये वो पर्सन है या ये वो एक एरिया है जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करना सीख जाएं सर्विसेज देना सीख जाएं एट लोवेस्ट कॉस्ट कॉस्ट लोवेस्ट हो गई पर आप क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी अगर आप दे दो लोवेस्ट कॉस्ट पर अगर आप दे दो मैं कह रहा हूँ आपकी मोनोपली हंड्रेड परसेंट है जो टाटाज़ की है टाटा जिस सेगमेंट में जाते हैं उनको तोड़ना मुश्किल है उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है कि उनको पता है दो ही चीज़ों पर चलते हैं क्वालिटी बेस्ट दे रहे हैं कॉस्ट मिनिमम पर जा चुके हैं उससे मिनिमम पर जा नहीं सकते रीजनेबल प्रॉफिट चार्ज करते हैं उनका मुकाबला कहीं पर भी जो है वो शायद नहीं आता ठीक है जी लो जी पहले तो यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो लो जी पीछे माइक जो है दें हाँ जी सर अगर हम क्लास में आ रहे हैं अगर आप क्लास में आ रहे हैं हाँ तो टाइम तो दे ही रहे हैं यहाँ आप पे अपना हाँ आप टाइम दे रहे हैं तो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी हाँ बिल्कुल है आप क्लास में आ रहे हो आप क्लास में आ रहे हो तो आपकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा कोई फीस सब कुछ आएगा दूसरा ऑपरचुनिटी कॉस्ट में वही आता है अगर आप यहाँ नहीं आ रहे होते तो आप क्या कर रहे होते <laughs> आप सो रहे होते तो आपकी ऑपरचुनिटी कॉस्ट क्या है नील है या मैं कहूं आपके अपने कौन नेगेटिव है बेटर आप आ जाओ घर वाले खुश हैं कि आप आए हो अगर आप क्लास में नहीं आ रहे होते घर वालों के सर पर तांडव कर रहे होते घर वाले दुआएं दे रहे हैं मेरा बच्चा घर से बाहर निकला ठीक है पर मैं अपनी बात करूं कई बार मेरा मन होता है अपनी नॉलेज को इन्हांस करना मेरा कई हो मन होता है अपनी नॉलेज को इन्हांस करना और वहां पर मैं फंस जाता हूँ मैं वहाँ पर फर्स आता हूँ कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जो दो महीने तीन महीने कोर्सेज़ हैं मैं वहाँ पर मैं अटकता हूँ मेरे को ऐसे कई कोर्सेज जो है मेरे को करने हैं जो कोर्स एक्चुअल में दैट इज़ अ द्री मंथ्स कोर्स अगर तीन महीने मैं वहाँ का जाऊँगा मेरे को अपना बैच कैंसिल जो है करना पड़ेगा और मेरे को अपना बैच कैंसिल करने का मतलब है रफली वन पॉइंट फाइव करोड़ रुपीज़ मुझे अपना जो <laughs> <laughs> अच्छा सॉरी सॉरी ज़्यादा हो गया अच्छा नहीं मैं फिगर्स वापस मैं फिगर्स वापस ले लेता हूँ चलो अपनी फिगर्स वापस ले लेता हूँ मेरे 25000 रुपए खर्च हो जाते हैं <laughs> अब ठीक है आपके लेवल पर नहीं सॉरी मुझे पता नहीं था आई थॉट चलो ठीक है चलो मतलब मेरे को अपना बैच कैंसिल करना पड़ता तो मेरी दो वक्त की रोटी मेरी खराब हो जाती ठीक है तो वापस जो है मैं आ जाता अब ठीक है yes, ठीक है तो अपनी कौन उसकी है भी जो आप मतलब अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते वहां से सारी स्टोरी जो है आ जाती है हाँ तो जी. जी अगर आप तीन महीने कोर्स करोगे तो कुछ कमाओगे थोड़ी ना उसमें। हाँ वही मैंने कहा ना अगर वो मैं तीन महीने कोर्स करता तो वहाँ का जो खर्चा सारा कुछ होता प्लस वो तीन में कोर्स करने के लिए मुझे इधर का बिजनेस में भी रोकना पड़ता अगर वो रोकूंगा तो यहाँ से मैं जो कमाई लूज करूँगा पंद्रह हजार रुपए ठीक <laughs> है पंद्रह हजार रुपये मैं शायद यहाँ पे कमाता वो मैं लूज करूंगा तो वो पंद्रह हजार रुपए, मैंने कहा वो मेरी कॉस्ट हो गई अब ठीक है ठीक है चलो आगे बढ़े चलो पंद्रह हजार ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर आए कॉस्ट लो जी तो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरी बातों को दिल पे मत लेना मजाक कर रहा था ठीक है चलो लो जी फिर आए कॉस्ट की बात करें तो ध्यान से चेक करो पूरे कॉस्ट को प्रैक्टिकली तीन चीजों में हम डिवाइड जो है कर देते हैं फर्स्ट इज मटेरियल कोई भी किसी भी चीज की कॉस्ट निकालनी है चाहे चाय की कॉस्ट निकालो या आप इस समय पढ़ने आ रहे हैं उसकी कॉस्ट या मैं पढ़ा रहा हूं उसकी कॉस्ट किसी भी चीज की अगर कॉस्ट निकालनी तो कॉस्ट को बेसिकली तीन में हम डिवाइड जो है कर सकते हैं फर्स्ट इज मटीरियल कॉस्ट सेकेंड इज लेबर कॉस्ट अदर इज एक्सपेंस कॉस्ट हाँ जी तो भाई कॉस्ट मैंने कहा तीन चीजें जो है मेरी शायद आ जाती फर्स्ट इज material कॉस्ट second इज लेबर कॉस्ट थर्ड इज एक्सपेंस कॉस्ट तो भाई पूरे कॉस्टिंग में मुझे तीन ही चैप्टर बढ़ाने चौदह चैप्टर नहीं है प्रैक्टली तीन ही चैप्टर है कॉस्ट में पहला क्या है material. भाई कुछ भी सामान बनाएंगे या सर्विसेज देनी है तो उसमें कुछ मटेरियल लगेगा हमें क्या करना है मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं सेकेंड चैप्टर क्या है लेबर कॉस्ट कुछ भी सामान बनाने सर्विस देने कुछ लोगों की ज़रूरत होगी उसी कॉस्ट कैसे निकालते हैं कैसे मिनिमाइज़ करते हैं तीसरा इज एक्सपेंस कॉस्ट कुछ भी सामान बनाने सर्विस देने कुछ एक्सपेंस होगा क्या कितना होगा कैसे उसको मिनिमाइज जो है मुझे करना है कम्फर्टेबल है जैसे कि बात करें हमने कहा भाई अगर चाय की बात करें तो चाय बनाने में क्या कुछ मटेरियल यूज़ होगा क्या क्या होगा भाई पानी चाय पत्ती दूध चीनी इलायची कुछ फ्लेवर्स अदरक गैस मसाले गैस हो गया सिलेंडर ही की बात है अब गैस अलग सिलेंडर अलग नहीं होगा ठीक है और बताएं चूल्हा ठीक है चूल्हा चाहिए हमें एक आ, कंटेनर चाहिए जिसमें आप चाय बनाओगे और क्या चाहिए ठीक है, ठीक है? तो भाई कुछ चीज़ें हमें चाहिए उसके बाद आपके पास ये सब इंग्रेडिएंट हैं पर कोई इंसान नहीं है क्या चाय अपने बन जाएगी और अगर अपने बननी शुरू होगी पीला नहीं ठीक है अगर अपने बननी शुरू होगी पीला नहीं एक इंसान होना चाहिए तो भाई कुछ एक इंसान भी हमें जो है चाहिए जो उस चाय को जो है बनाएंगे और तीसरा क्या है कुछ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग का रेंट अब बिल्डिंग की जरूरत है तो बिल्डिंग का रेंट बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन जो है आ जाती है तो हमने कहा कुल मिला के हर चीज की बात करें तो तीन चीजें चाहिए होंगी कुछ मटेरियल चाहिए होगा हमने कहा कुछ इंसान चाहिए होंगे और कुछ खर्चा जो है हमारा जो है होगा जैसे मुझे आपको पढ़ाना है मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे कुछ मटेरियल चाहिए मटेरियल में मुझे आपको किताबें जो है मुझे आपको देनी दैट इज़ अ मटेरियल मुझे आपको कुछ किताबें जो है देनी होंगी फिर आपके टेस्ट होंगे मुझे क्वेश्चन पेपर देना होगा मुझे आंसर शीट देनी होगी तो वो क्या हो गया मटीरियल मुझे आपको एक आई कार्ड देना होगा वो क्या हो गया मटीरियल सेकेंड क्या है फिर कुछ लोग चाहिए जिनकी वजह से हम आपको पढ़ा पाएंगे तो हमें टीचर्स चाहिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए हमें रिसेप्शन पे लोग चाहिए हमें एग्जामिनर्स चाहिए हमें पेपर चेकर्स चाहिए बहुत सारे लोग चाहिए जिनकी वजह से हम आपको पढ़ा पाएंगे फिर कुछ खर्चे भी होंगे मुझे एक बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग में अगर किराए पर लेता हूँ तो बिल्डिंग का रेंट जब मैं देता हूँ उसको मैं नॉर्मली क्या बोलता हूँ एक्सपेंस में जो है मैं लेकर जो आता हूँ या आपकी कैसे बात करें मुझे आपको पढ़ाने के लिए मुझे एक आपको की देनी होती है आप जब फेस टू फेस क्लास लेते हैं तो आपको एक की भी हम देते हैं या जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड बच्चे आप सबको मैं की देते हैं सबको एक की हमने दी होगी जिस की से आपको अपना बैकअप मिलता है आप हमारी क्लासेस जो है आप लेते हैं तो वो जो की है वो कोई मटेरियल नहीं है वो जो की है वो कोई इंसान भी नहीं है हमने एक खर्चा हमने बांधा एक आउटसोर्स कर रखा है तो हम कुछ एक्सपेंस करते जिसकी वजह से कंपनी हमें कुछ फैसिलिटी जो है है तो हमने ऐसे कई सारे खर्चे जो है हमने करे उन खर्चों से मैं आपको जो है पढ़ा सकता हूं इतम भी क्लियर है तो भाई खर्चे कुल मिला के तीन ही होंगे या तो मटेरियल होगा या लेबर होगा या एक्सपेंस जो है होगा और इसी को अब हम अगर क्लासिफाई करें तो भाई इसी बात को समझना हमने कहा इसी को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो चीजों में मटेरियल लेबर एक्सपेंस दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट कॉस्ट other is इन डायरेक्ट कॉस्ट तो भाई मटेरियल को भी अब दो भागों में डिवाइड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस पोपज क्या है कॉस्ट को बहुत टुकड़ों में तोड़ना है फिर एक एक कॉस्ट को पकड़ेंगे और उसको चेक करेंगे इसको कितना कम जो है कर सकते हैं पोपज क्या है पहले कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना फिर कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो अपन को जो है चेक जो है करना है ठीक है जी तो लिख लो डायरेक्ट कॉस्ट ये कौन सी होती है विच इज इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेस थोड़ा सा और गहराई में चले हमने कहा चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे डायरेक्ट लेबर हो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे कौन सी लेबर को डायरेक्ट लेबर कहेंगे कौन से एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे हमने कहा हम जो डायरेक्टली जो बिल्कुल डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द प्रोडक्ट या सर्विसेस तो भाई जो बिल्कुल डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है डायरेक्ट उस सर्विसेस का एसोसिएटेड है उसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट लिखो कह रहे विच इज़ Which, yeah, which assist, which assist in the production, which assist in the production and distribution and distribution of goods or सर्विसेस तो कॉस्ट निकालना बहुत चैलेंजिंग है और फिर कॉस्ट को मैनेज करना उससे ज्यादा चैलेंजिंग है तो लोगों ने इसके टुकड़े करे पहले कॉस्ट ने का तीन अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं मटेरियल को मैनेज करना अलग है लेबर को मैनेज करना अलग सिस्टम रहेगा एक्सपेंस को मैनेज करना अलग सिस्टम रहेगा उसको भी आगे तोड़ा कह रहे मटेरियल को भी दो हिस्सों में बांटते हैं डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर को भी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस से भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो बेसिकली छह छह चीजें आपकी हो गई इन चीजों को मैनेज अलग अलग तरीकों से जो है करना है डायरेक्ट मटेरियल को कैसे मैनेज करना है इनडायरेक्ट मटीरियल कैसे करना है डायरेक्ट लेबर कैसे करनी है इनडायरेक्ट लेबर कैसे करनी है डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे मैनेज करना है वो हमें अगले तीन महीनों में जो है सीखना है. ठीक है जी तो भाई समझो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बेसिक अभी फर्क क्या है जो आपको लगे ये तो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के लिए चाहिए बिल्कुल डायरेक्टली जो है लग रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट और हमने कहा ये डायरेक्टली नहीं पर हाँ जरूरत तो है तभी तो हम खर्चा कर रहे हैं ज़रूरत है, है इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है इन डायरेक्टली हेल्प कर रहा है पर हेल्प कर रहा है और ये मैं कहूंगा लास्ट तक डिबेटेबल रहता है किसको आप डायरेक्ट कहोगे किसको इनडायरेक्ट कहोगे पेपर में ये कभी नहीं आता विच इज डायरेक्ट विच इज इनडायरेक्ट पर हाँ बात वही है कि भाई सबकी सोच अलग है मैनेज करने की किसको आप डायरेक्ट कहोगे किसको इनडायरेक्ट कहोगे तो भाई दोनों की जरूरत है ये बात तो क्लियर है दोनों की मुझे जरूरत है एक की मुझे डायरेक्टली जरूरत है और एक की जरूरत तो है पर थोड़ा सेकेंडरी जो है आ जाता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप होटल में गए आप होटल में गए आपको चाय पीनी है आप होटल में गए आपको चाय जो है पीनी है आप उसमें ध्यान से समझें एक मेन्यू कार्ड होटल वाले आपको देते हैं कि नहीं देते देते हैं। एक मेन्यू कार्ड पहले बताओ क्या वो मटेरियल है कि नहीं है मटेरियल मटेरियल मतलब जिस चीज़ को आप छू सकते हैं तो भाई मेन्यू कार्ड एक मटेरियल है अब मुझे बताओ चाय पीने के लिए वो डायरेक्ट मटेरियल कहूंगा या इनडायरेक्ट कहूंगा वो क्या है इनडायरेक्ट हमने कहा वो चाय में यूज नहीं हो रहा पर जब तक मेन्यू कार्ड ही नहीं होगा जब तक मेन्यू कार्ड ही नहीं होगा तो चाय का ऑर्डर कैसे करेंगे ये बात समझ आती है तो हमने कहा अब मुझे एक एक चीज पर आना है उस चाय के लिए क्या क्या मटेरियल यूज हुआ और फिर हम चेक करेंगे सो तो कैसे मिनिमाइज करना है तो जब मेन्यू कार्ड की बात आई अब आप समझ सकते हैं मेन्यू कार्ड ये क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल है इसको मिनिमाइज कैसे करें तो आजकल चेक करो कई सारे होटल्स में इसको डिजिटल कर दिया अभी क्या था कई सारे होटल में क्या था हार्ड कॉपी हुआ करती थी अब क्या कर दिया डिजिटल जो है कर दिया आपको वहां पर सिर्फ एक क्यू कोड है जैसे आप क्यू कोड डालेंगे आपके सीधा मोबाइल ऐप पर जो है आ जाएगा और उनको पता है फाइव स्टार होटल में जितने भी लोग आ रहे हैं सबके पास मोबाइल जो है होता है और आप खुद सोच के बदनाए वो जो मेन्यू कार्ड था उस पर खर्चा कम हुआ कि नहीं हुआ खर्चा कम हो गया मैंने कहा यही सारी स्टोरी है अब आपको चेक करना है पर क्या आप चाय भी डिजिटल कर दोगे चाय तो पिलानी पड़ेगी ना ये बात समझ आती है तो किसको डिजिटल करना है किसको नहीं करना वो आपको देखना है पहले क्या चीज़ डायरेक्ट है क्या चीज़ इनडायरेक्ट है उसके बाद किसकी कितनी ज़रूरत है किसकी कितनी जरूरत नहीं है उस उसमें कैसे क्वालिटी सेम रखते हुए अगर डिजिटल भी किया है तो उन्होंने क्वालिटी अच्छी जो है रखी है वो सारी चीज़ें जो है आने कहीं पर यह ना लगे कि डिजिटल करने के बाद यार मज़ा नहीं आया तो मेन्यू कार्ड अगर डिजिटल भी कर रहे हो तो उसमें कई बार उन्होंने एनिमेशन इफेक्ट भी जो है डाले कि पहले से क्वालिटी बेटर कर देते हैं क्वालिटी पहले से बेटर करते हैं कि सेटिस्फेक्शन कस्टमर को मस्त आना चाहिए तो अगर वो डिजिटल भी देखता है तो उसको वाकई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जो है होना जो है चाहिए ऐसे कई कई मेन्यू कार्ड्स हैं जिसमें प्रैक्टिकली एनिमेशन के थ्रू वो मेन्यू कार्ड जो है आपको दिखा रहे हैं तो क्या क्वालिटी इन्हांस हो गई और एट दी एंड मेन्यू कार्ड का पैसा जो है उनका शायद जो है बच गया क्या यहाँ समझ आती है तो मैंने कहा एक एक पॉइंट को पकड़ना है और फिर आपको सोचना है कि भाई किसकी कितनी कॉस्ट हम तो मिनिमाइज जो है कर सकते हैं तो भाई अमा मुझे बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो भाई चाय बनाने में मुझे पानी चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट ये तो मेरे को डायरेक्टली चाहिए चाय पत्ती डायरेक्टली मुझे चाहिए इलायची सौंफ और ये सब डायरेक्टली मुझे चाहिए अच्छा मुझे कंटेनर जिसमें चाय मैं बना रहा हूँ

क्या बात समझ आती है तो मैंने कहा वो जो यूटेंसिल है वो मैं डायरेक्टली कस्टमर को नहीं दे रहा पर मैं उसकी मदद से उसकी मदद से मैं कस्टमर को उसको भी चाय उसको चाय चाहिए उसको यूटेंसिल नहीं चाहिए तो मैं इसकी मदद से मैं उसको चाय सर्व जो है कर पा रहा हूं क्या ये बात क्लियर है ये बात समझ आती है तो मैंने कहा ऐसे आप सोच के वो जो गिलास है जिसमें हम कटलरी है जिसमें चाय सर्व कर रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट और अगर ये टेक अवे है तो डायरेक्ट टेक अवे में हम ग्लास साथ में ही जो है दे देते हैं तो टेक अवे जब होता है तो हम लोग ग्लास साथ में ही जो है हम दे देते हैं और वही बात है ग्लास आप साथ में अगर दे रहे हो वो क्या हो गया डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल और अगर आप साथ में नहीं दे रहे मैं उसको क्या बोल दूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल बड़ा थिन लाइन है पर बस वो चीज़ आपको थोड़ा समझना है पर फिर मैं कहूंगा इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्यों एट दी एंड कोई पेपर में ये नहीं पूछेगा ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट पर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको समझ जो है शायद आ गई होगी क्या ये बात क्लियर है ठीक है जी तो मैंने कहा अब आप डायरेक्ट मटेरियल में क्या दे रहे हो इन डायरेक्ट में आप कैसे जो है दे रहे हो सबकी कॉस्ट कैसे कैसे मिनिमाइज जो है करते इवन टेक टेक अवे अवे की बात करें टेक में कटलरी आपको सस्ती मिलती है या कैसी मिलती है जरूरी नहीं है बेटा जरूरी नहीं है आप अगर मैगडीज में जा रहे हैं चायोज में जा रहे हैं तो भी हो सकता है आपको ग्लास आपको पेपर ग्लास में आपको चाय जो है दे रहे हैं आप फाइव स्टार होटल से आप ऑर्डर करें फाइव स्टार होटल से आप ऑर्डर करें आप जरूरी चेक करना उनकी तो कटलरी भी जो टेक अवे में दे रहे हैं तभी उनकी कॉस्ट बहुत अच्छी जो है आती क्यों उनको पता है कि मैं ब्रांड मेरे को जो है ना लेकर जाना है फाइव स्टार होटल से आप कभी भी आप मील ऑर्डर करें उनकी एक्चुअल में वो जो कटलरी जो साथ में सर्व करने के लिए दे रहे हैं या वो ग्लास दे रहे हैं ऑब्वियसली वो वाला ग्लास तो नहीं है पर उसके बाद भी प्रीमियम ग्लास देते हैं आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं कि उनके माइंड में क्या है अगर ये अवे है तो ये थ्रो करेगा या रखेगा थ्रो करेगा तो आप डिस्पोजेबल दें पर उसको पता है इससे अगर इसी किचन में ये पड़ा रहेगा तो जब भी किचन में देखेगा उसको माइंड में चल रहा है अच्छा ये ताज की यूटेंसिल जो है ये ताज से हमने चाय पी दी ताज से हमने मील जो है मंगवाए थे उनकी कटली उससे भी खर्चा पूरा जो है वो करते हैं तभी उनकी मील जो है एक नॉर्मल टेक अवे मैं कहूँगा वही दो सौ तीन सौ रुपये का उनसे अगर आप मील ऑर्डर करते हैं मे बी दो हज़ार तीन हज़ार का मील है क्यों उनकी कटरी में भी वो पूरा खर्चा जो है वो करते हैं उनकी पैकिंग पैकिंग मस्त पैकिंग जो है वो शायद कर कर जो है चलते हैं। ठीक है जी ऐसी लेबर की बात करें डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर किसको कहेंगे जो डायरेक्टली चाय बना रहे हैं वो जो शेफ है जो डायरेक्टली चाय बना रहे उनको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर कौन से होंगे हमने हाँ कहा बाकी सारे लोग लेबर मतलब सोरे लोग वो जो गार्ड वो जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा है जब आप एंटर करते हैं सलाम मार रहा है वो भी लेबर है कि नहीं है लेबर है पार्किंग में जो व्यक्ति खड़ा है पार्किंग में जो व्यक्ति खड़ा है जो आपकी पार्किंग कर रहा है या वेले पार्किंग है वो जो ड्राइवर्स आपकी गाड़ी को जो है वो वेले में लेकर जा रहे हैं वो सारे लेबर है कि नहीं है लेबर है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं फिर रिसेप्शन भी जितने लोग खड़े हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पॉलिसीज बना रहे चाय नहीं बना रहे पर चाय की कौन कौन सी वैरायटी होनी चाहिए हमारे यहाँ कौन सा कस्टमर आने वाला है उसको दार्जिलिंग की बेसिक चाय पिलानी है या प्रीमियम चाय पिलानी है मैंने कहा क्यों वो सारी पॉलिसीज़ कौन कौन मना रहे हैं वो सारी लेबर कौन है इन डायरेक्ट लेबर में जो है आ जाती ऐसी एक्सपेंस हमने कहा जो डायरेक्ट एक्सपेंस उसी के साथ जो है यूज़ हो रहा है जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मान लीजिए किसी की मैंने फ्रेंचाइजी ली है मान लो मैंने ताज की फ्रेंचाइजी ली तो भी होता क्या है अगर मैं ताज की फ्रेंचाइजी लेता हूँ रिबो की फ्रेंचाइजी या मैगडीज़ की फ्रेंचाइजी लेता हूँ तो होता क्या वो कहते हैं सर आप जो भी सामान बेचोगे जो भी सामान बेचोगे उसमें टेन परसेंट आपको हमें एज रॉयल्टी जो है देना है तो मैंने आज मैगडीज की अगर मैं फ्रेंचाइजी लेता हूँ तो टेन परसेंट मेरा सीधा सीधा खर्चा है उस सामान को सर्व करने में जैसे ही मैंने आपको एक बर्गर दिया मेरा टेन परसेंट का ख़र्चा डायरेक्टली उस बर्गर पर जो है मेरा लग गया वो मेरा क्या हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने कहा बिजली पानी वो सारा मेरा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है आते मुझे प्रमाइसिस की ज़रूरत है प्रमाइसिस ही नहीं होगा मैं सर्व जो है नहीं कर पाऊंगा लो जी यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो पीछे माइक जो है दे दीजिए सर हम जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो हम जब शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे हमको बैग्स मिलते हैं कई बार हमको बैग मिलते हैं और कई बार वो चार्ज करते हैं बैग का अंजी? तो वो हम डायरेक्ट मटेरियल में लेंगे या इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट मटीरियल मिलेंगे, मिलेंगे? आ, इन्होंने कहा सर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो हमें बैग जो है देते हैं वो बैग हमें देते हैं और हमें चार्ज करते हैं इसका मतलब बैग तो वो सेल कर रहे हैं सीधी सी बात हो गई तो उनकी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं हुआ उनकी कॉस्ट का पार्ट ही ऐसे मान लो कॉस्ट हुआ कॉस्ट की रिकवरी भी हो गई या आपके लेवल पर आ जाऊँ वो जो बैग उन्होंने मैन्युफैक्चर करे कॉस्ट तो उनकी है उनकी कॉस्ट तो बिल्कुल है इस बात पे कोई डाउट जो है नहीं है अब वो बैग आपको दे रहे हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी बिल्कुल डायरेक्ट कॉस्ट आएगी अब उसकी रिकवरी आपसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अगर आपसे चार्ज कर रहे हैं कॉस्ट की रिकवरी भी हो गई चार्ज नहीं करते कॉस्ट की रिकवरी उनके कहना कि सेलिंग प्राइस के अंदर जो है आ जाएगा Okay, ठीक है जी किसी को और कुछ भी पूछना हो लो जी तो एक बार जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज जो जो है करते तो आज, जो है करते करते हैं हैं तो भाई एक आज जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो भाई इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है कॉस्ट कैसे निकालते हैं कॉस्ट कैसे मैनेज करते हैं। कॉस्ट कैसे निकालते हैं कॉस्ट कैसे मैनेज करते हैं कॉस्ट की डेफिनेशन हाँ जी कॉस्ट क्या है कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर याद हो जाना चाहिए कॉस्ट क्या है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल एक्चुअल खर्चा नोशनल खर्चा आगे to, या तो स्पेसिफिकली उसी पर इनकर किया या कुछ कॉमन खर्चा एलोकेट किया एट्रीब्यूटेबल टू आगे क्या है स्पेसिफिक थिंग और एन एक्टिविटी किसी भी चीज का खर्चा किसी भी एक्टिविटी का खर्चा जो है आपको निकाल लें फिर से एक बार याद करते हैं कॉस्ट क्या है कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है इनकर्ड एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक थिंग और एन एक्टिविटी क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई उसके बाद कॉस्ट लीडरशिप लीडरशिप ये क्या है इट इम्प्लाइज इट इंप्लाइज प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग किस पर? टारगेट क्या है एट दस्ट कॉस्ट मिनिमम पर आ जाओ लोवेस्ट कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी क्वालिटी बेस्ट रखो क्वालिटी बेस्ट रखो मिनिमम पर आ जाओ यू आर द कॉस्ट लीडर कंफर्टेबल है और उसके बाद कॉस्ट की बात करें कॉस्ट मुख्यतः तीन ही होती है और कुछ है नहीं कौन सी मटीरियल लेबर और एक्सपेंस मटीरियल किसको बोलते हैं जो मटेरियल जिसको आप छू सकें दिस इज अ मटेरियल दिस इज अ मटेरियल एवरीथिंग यू कैन टच मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी छू नहीं सकते अगर आपने इलेक्ट्रिस छू आप मटेरियल बन जाओगे एशेस ठीक है तो इसलिए जिसको आप छू सकते हैं नॉर्मली उसको मटेरियल जो है हम कह देते हैं तो भाई मटेरियल उसके बाद सेकेंड क्या है लेबर कुछ लोग चाहिए एंड थर्ड इज एक्सपेंसिस ठीक है जी इन सबको क्लासिफाई किया दो भागों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या हुआ जो डायरेक्टली उस गुड्स या सर्विसेज में अपन को जरूरत है इनडायरेक्ट कौन सा हुआ डायरेक्टली नहीं पर असिस्ट करता है उसकी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में असिस्ट जो है करता है वो मेरा क्या हो गया इनडायरेक्ट जो है मेरा जो है आ गया है और दो इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी दो इक्वेशंस वो क्या है अगर आप सही कॉस्ट निकाल लेते हो उसके बाद क्वालिटी बेस्ट दे देते हो और तीसरा रीजनेबल प्राइस अगर आप चार्ज करते हो तो क्या मिलेगा आपको हाँ जी क्या मिलेगा सेटिस्फेक्शन नहीं हंड्रेड परसेंट सक्सेस हंड्रेड परसेंट सक्सेस आपको मिलनी मिलनी है और अगर सक्सेस मिल गई उसके बाद क्या करना है अगर उस पॉइंट पर आप सेटिस्फाइड हो गए अगर आप उस समय मेंटल पीस हो गया तो क्या हो जाएगा परफेक्ट लाइफ जो है वो शायद आपकी जो है बन जाएगी ठीक है जी यहाँ तक किसी को कुछ भी छोटा मोटा डाउट हो हाँ जी किसी को छोटा मोटा डाउट हो यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है ठीक है जी तो कल अच्छा पीछे माइक जो है एक बार दे दे सर जैसे हमारी शू मैन्युफैक्चरिंग मैनिफार, की फैक्ट्री है आपकी तो, शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है हाँ सर तो जैसे सर जो शूज का लोअर होता है सर उसकी मशीन आती है हाँ जी तो सर आग... सोल सोल कटिंग मशीन सोल, आपकी होती सोल मशीन होती है।, होती है सर तो मशीन में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सर वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा नहीं आप आप शूज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं नहीं सर शूज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं शूज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें सोल आप बना रहे हैं यस yes, सर फिर हम असेंबल तो, तो, अपर हमने खरीद लिया और सोल बना हाँ, के आपने रबर शीट्स आपने ली और उससे आपकी सोल की कटिंग हो गई तो सर सोल बना के फिर हम शू बेचते हैं हो सोल बना के आप शूज में डाल रहे हैं यस सर तो सर वो फिर जो मशीन है सर वो डायरेक्ट होगी या इन होगी हाँ जी इनका एक सवाल आप मुझे ध्यान से बताओ आप शूज बना रहे हैं आप शूज बना रहे हैं तो शूज़ बनाने में कुछ मटेरियल कुछ लेबर कुछ एक्सपेंस होगा ठीक है तो भाई कुछ मटेरियल कुछ लेबर कुछ एक्सपेंस जो है खर्चा होगा तो शूज़ के अंदर मटेरियल क्या लगेगा मे भी कुछ आपका सोल लगेगी कुछ ऊपर कवर लगता है लेसेस लगते हैं वो सब मेरा क्या हो गया मटेरियल जो है मेरा हो गया फिर कुछ लोग होंगे जो शूज़ को मैन्युफैक्चर जो है कर दें और कुछ हमें एक्सपेंसेस जो है होंगे अब इनका सवाल सर वो जो मशीन है वो जो मशीन है जिसकी वजह से शूज बन रहे हैं वो मशीन मेरा डायरेक्ट खर्चा मानूंगा या इनडायरेक्ट खर्चा जो है मानूंगा तो भाई मेरी जो तो मशीन है वो डायरेक्ट एक्सपेंस या मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानूंगा तो भाई कितने हैं डायरेक्ट मानना पड़ेगा कुछ हाथ कितने हैं इनडायरेक्ट मानेंगे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों मानेंगे वो असिस्ट कर रहा है बस इतनी सी बात है तभी तो हमने कहा हम वो मशीन जूते के साथ दे नहीं रहे हम जूता बना रहे हैं पर जूता बनाने के लिए मुझे उस मशीन की ज़रूरत है ऐसे बताऊँ वो मशीन कहां पर है एक बिल्डिंग में फिर तो बिल्डिंग भी क्या हो जाएगी डायरेक्ट फिर तो हर चीज़ डायरेक्ट हो जाएगा तो मैंने कहा क्या मैं वो मशीन जूते के साथ दे रहा हूं नहीं मैंने कहा इसलिए मैंने जूते के साथ उस मशीन से मैं जूते बनाए जा रहा हूं बनाया जा रहा हूं तो उस मशीन खर्चा तो है इसलिए उस मशीन का एक छोटा हिस्सा डिप्रिसिएशन का इसी कॉस्ट में डालूंगा ज़रूर कॉस्ट में तो आएगा पर इसको मैं डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कहता इसको मैं क्या बोलूंगा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है कहूंगा अरे रह गया आपने क्यों बंद कर दिया यहां पर आ जाओ हाँ जी बस खत्म करें और इसके आगे तीन चीजें सर वो चीज हमारी डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए तो यूज हो ही रही है ना एट दी एंड की हाँ तभी आरोपी शायद यहां पर खत्म हो जाएगी क्योंकि बच्चे का सवाल सर पर वो डायरेक्टली मशीन प्रोडक्शन में तो यूज़ हो रही है बिल्कुल हो रही है इसलिए हम करते क्या हैं मैंने कहा इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन डायरेक्ट लेबर इन डायरेक्ट एक्सपेंस इन सबको कंबाइन किया और इस इनडायरेक्ट मटेरियल को फिर मैं तीन जगह सेग्रीगेट करता हूँ फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन फर्स्ट इज प्रोडक्शन ओवर हेड्स इस बात को फिर से चेक कर ले मैंने कहा जो मशीन है खर्चा तो है अब मशीन की कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना है हमने कहा वहां जो चौकीदार है वो भी खर्चा है मिनिमाइज करना है वहां पे एक अटेंडेंस रजिस्टर है अब मुझे बताओ फैक्ट्री में अटेंडेंस रजिस्टर मटेरियल है कि नहीं है मटेरियल तो है पर अटेंडेंस रिजिस्ट्री की मुझे ज़रूरत है कि नहीं है ज़रूरत है पर उससे चाय नहीं बना रहा पर मैंने कहा मेरे मैं को ज़रूरत है तो हम करते क्या हैं ये जितने इनडायरेक्ट खर्चे हैं हम इसको कंबाइन करके फिर टुकड़ों में करते हैं पहला मैंने कहा वो सारे खर्चे जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली लग रहे हैं जो आपकी वाली बात थी अब जो मशीन मेरी प्रोडक्शन में लग रही है वो जो लेबर है जो सुपरवाइजर है आप सोच के बताओगे सुपरवाइजर नहीं होगा ना तो लेबर काम नहीं करेगी सुपरवाइजर की ज़रूरत तो मुझे है मुझे एक स्टोर है तो स्टोर कीपर की ज़रूरत है तो हमने कहा जो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इन एक्सपेंस उसको हमने क्लब किया क्या कहा प्रोडक्शन ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐसे ही फिर मैंने कहा मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी जरूरत है अगर वो नहीं होंगे कंपनी जो है नहीं चलेगी तो आगे लिखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो मैंने कहा वो सारा मटेरियल जो ऑफिस में यूज हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेरा यूज हो रहा है वो सारी लेबर वो सारे खर्चे उसको हम फिर कंबाइन करेंगे ऑफिस खर्चे फिर देखेंगे ऑफिस खर्चा कैसे मिनिमाइज करें क्या मुझे ऑफिस की जरूरत है या वर्क फ्रॉम होम से काम चल सकता है मैंने कहा इसलिए अब कंबाइन करना शुरू किया फिर इसको मिनिमाइज करेंगे ऐसी लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और फिर हमने कहा शोरूम में भी कैटलॉग्स चाहिए मटेरियल है शोरूम में भी सेल्समैन है लेबर है शोरूम का बिजली पानी का खर्चा एक्सपेंस है अब इसको अलग साइड किया, फिर इस पर पूरा दिमाग लगाएंगे शोरूम की जरूरत है कि नहीं क्या हम सारा ऑनलाइन सेल कर सकते नहीं कर सकते तो हमने इसको अलग अलग तरीकों से सेग्रेट करेंगे टारगेट मेरा वही है मुझे सारे खर्चे मिनिमाइज जो है करने तो हमने कहा एक खर्चा क्या हुआ डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसको मैं क्या बोलता हूँ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस उसके बाद बाकी सारे खर्चे अलग किया उसको फिर तोड़ना शुरू किया फिर हम आए कौन सी मशीन मेरे ऑफिस में है अगर ऑफिस में लैपटॉप्स हैं कैसे मिनिमाइज़ करें मैंने कहा फैक्ट्री में मशीनरी है कैसे मिनिमाइज़ करें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मशीन यूज़ करें कैसे मिनिमाइज़ करें सब कुछ जो है वो करते चले जाएंगे ठीक है तो कल हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मटेरियल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज जो है करना है तो भाई आज के लिए फिर इतना ही थैंक यू सो मच की स्माइलिंग गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल बाय